आज जी नमस्कार स्वागत आप सभी का दिन मंत्र के YouTube चैनल पर मेरा नाम रोहित वैद्वान आप एस्ट एक बच्चा पार्टी कुल मिलाकर दिन मंत्र दिल से टीचर हम दिल से टीचर आप स्वागत 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 आ जाओ फटाफट छेती छेती देखना आवाज वगैरह क्लियर है क्या मेरी क्लास की शुरुआत करेंगे भाई फिर फटाफट आ जाइएगा चलो ये क्या हो गया इस बोर्ड को अच्छा तो मैं क्लास लेता ऑनलाइन क्लास है कहा गया यार पी के बीच में कहीं मर्ज होगी भाई दोबारा ऐड करनी पड़े आगे 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 चलो करे भाई शुरू आ जाए मॉडल टेस्ट नंबर क्या है फोर्टी सिक्स है आपने तो दस बजे आने वाले थे ना मैं दस बजे क्यों आता भाई जी बाजरे की खिचड़ी खा लो बेटा मैं खिचड़ी वैसे भी नहीं खाता मतलब मेरे को खिचड़ी खास पसंद नहीं है चलो <laughs> आज स्पीड से चलेंगे है ना फिर जी चलेगा आ, तो फटाफट वही करेंगे शुरुआत आज की क्लास के साथ देखते हैं कितने प्रश्नों के साथ हम इसमें जा पाएंगे आगे बढ़ते हैं यहां पर चलेगा शुरुआत करते हैं है ना तो आज की क्लास की शुरुआत मारेंगे यहाँ से ही। रेडी, रेडी 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 जी हाँ भाई रेडी हो चलेगा गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाँ जी यार कमर में दर्द हो रहा है सच्ची बताऊ तो है ना मक्के की रोटी सर दो हाँ तुम सारा का ऐसा समझ दाना में समझ रहेगा मैं रोटी थोड़ा कम खाता हूँ दूध वूध हाँ ठीक है चलेगा बुक आ गई तुम्हारी बहुत बढ़िया बुक सबके आगे शाबाश 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 ये रहा चलो भाई यहाँ तो आपके सामने भाई क्या होगा कल यार ना नंबर बदलवाना एक ये एक्स्ट्रा एडवांस में पैंतालीस और छियालीस लग गया पी -पी में कितना है ना चलिएगा तो यहाँ आपके सामने पैडेगोजी और आज भाई स्पीड होगी आज क्या होगी स्पीड होगी तैयार हो आज स्पीड के साथ यस और नो चलो एक बार तैयार हो दिल से टीचर हो एक बार आज तैयारी स्पीड होगी आज एकदम आज नहीं रुकावट होगी स्पीड के साथ करेंगे यार हमारे वाले मेरे को लग रहा है पोर्टल पे भी टेस्ट दे रहे हैं है ना हम्म बड़का और छी ना डन चलो गो स्पीड के साथ पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा आपको बताना है कौन सा सोशल बिहेवियर का पैटर्न नहीं होगा और सवाल नंबर एक आपके स्क्रीन पर बताए वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशल बिहेवियर पैटर्न कौन सा नहीं होता इमिटेशन इम्पैथी या फिर एसिडेंट बिहेवियर है शेयरिंग कौन सा नहीं होगा जी जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी चलते रहिएगा नहीं आपके सामने आ रहा है पहला सवाल ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में जी चलिए पहले सवाल का जवाब आपने अगर दिया है पहले का तो याद रखिए कौन सा एक सामाजिक पैटर्न नहीं है तो आपका भैया इमिटेट करना होता है इम्पेटी भी होता है शेर भी होता है लेकिन आरोही व्यवहार जो होता है ना असेंडेंट जो बिहेवियर होता है वो आपका सामाजिक कार्य नहीं लेकिन फिर भी एक बात बताओ ये ऑप्शन नंबर सी तो तुमने चुन लिया इसका कोई एक वर्ड बताओ ऐसे बिहेवियर को क्या बोला जाता है क्या होता है है ना एसेंडेंट जो बिहेवियर होता है उसका मतलब क्या होगा इसका मतलब क्या होता है मीनिंग बताओ बिल्कुल स्पीड के साथ आज अपने 100 सवाल बेटा 100 मिनट में करने हैं आज 100 इसका मतलब एक घंटे 40 मिनट से ऊपर नहीं जाना एक घंटे 40 मिनट में खत्म करने हैं चाहे कुछ भी हो जाए आज आज या तो तुम नहीं या मैं नहीं अगर हम ये टेस्ट आज नहीं कर पाए एक घंटे चालीस में तो बस हमें क्या है नहीं डूब के तो नहीं मरेंगे क्या होता है इस बात का मतलब जल्दी जल्दी सर बताओ 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 पहले ही पोपट हो गया ओहो

कहना चाहता है किशोरावस्था कट रहा है क्या सवाल? नहीं कट नहीं रहा ठीक है बेटा कट नहीं रहा किशोरावस्था कि की की समाप्ति पहचान निम्न में से किस विशेषताओं में से एक और उसके घटित होगा इसमें जवाब जो होगा हो फिजिकल फिटनेस होता है फिजिकल मेच्योरिटी साइकोलॉजिकल फिटनेस साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी बेटा याद रखना सवाल का जवाब कहता है आपसे क्या है द टर्मिनेशन ऑफ इज आइडेंटिफाई विद वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन मतलब किशोरावस्था की समाप्ति की पहचान निम्नलिखित विशेषताओं में से एक और उसके घटित होने से होती है इसका मतलब अगर मनोवैज्ञानिक रूप से आप परिपक्व हो गए यहां पर कहते हैं ना अगर आपकी मेच्योरिटी इसीलिए तुमने ना जो लोग हिंदी ट्रांसलेशन तुमने मेरे उसमें पहले मेच्योरिटी वाले में कहा था एंड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब कि जब आप उस चक्कर से भी निकल जाते हैं और आप यहां तक पहुंच जाते हैं इसका मतलब साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी प्राप्त कर लेते हैं और समझ जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए नंबर तीन पूछना चाहता है बताइए शिक्षण का पूर्व सक्रिय चरण है प्री एक्टिव जो आपसे पूछा प्री एक्टिव फेस कौन सा होता है बताइएगा प्री एक्टिव फेस कौन सा होता है जी हाँ प्री एक्टिव फेस कौन सा होता है ऑप्शन नंबर एबीसी जल्दी जवाब दें जल्दी जवाब दें यहां पर आपके सामने नंबर तीन आया तीन का जवाब थोड़ा जल्दी जल्दी भाई चले सवाल नंबर तीन का जो प्री एक्टिव फेस होगा वो क्या होगा अगेन कुछ नहीं चलेगा बस एक बार जो आगे बढ़ गया वो तीर पीछे नहीं जाएगा पोल वही नहीं होगा आगे नंबर तीन का जो जवाब है वो क्या होगा सवाल नंबर तीन का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा सबसे पहले बेटा प्रेजेंटेशन इवेल्युएशन एनालिसिस नहीं होता सबसे पहले क्या होता है प्लानिंग प्रीफेस होता है किसी चीज की तैयारी करना प्लानिंग करना नंबर चार एक अच्छी पाठ योजना की विशेषताओं पर आधारित होता है क्या द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान बेस्ड ऑन एक अच्छा लेसन प्लान किस पर आधारित होता है तरीकों पर आधारित होता है कंटेंट पर ऑब्जेक्टिव पर या सीसीई पर बताएं नंबर चार ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सही जा रहे हो चार का जवाब क्या होगा सवाल नंबर चार का जवाब क्या होगा चलो नंबर चार के सामने बेटा याद रखना सबसे बढ़िया जवाब वो बालक दे रहे हैं जिन्होंने सी दिया क्योंकि वो सबसे ज्यादा गलत है चार का जवाब जिन्होंने डी दिया गलत याद रखना कोई भी लेसन प्लान हमेशा मायने रखता है किस पर उसके ऑब्जेक्टिव पर क्या होगा उसके ऑब्जेक्टिव पर बेस होता है लेसन प्लान की सबसे अच्छी खासियत होती है उसके क्या है ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी पांच नंबर आपकी तरफ लर्निंग डिसेबिलिटी अमंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कैन बी रिड्यूस विद आप अगर इस सामने सवाल देखोगे तो जो आपके सिलेबस है उसी से सवाल है कोई अरे गहरे बार वाले सवाल नहीं लर्निंग डिसेबिलिटी, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ सीखने की विकलांगता को कैसे कम किया जा सकता है बताएं। नंबर पांच ए बी सी डी जी हां इसको याद रखना वक्त बोलते हैं बस वक्त में डब्लू नहीं आता इसको क्या बोला जाता है आप इसे बोल देते हैं वक्त है ना इसे क्या बोल देते हैं डब्लू मत बोलना वी विजुअल होगा ऑडिटरी होगा काइनेस्थेटिक होगा टेक्चुअल होगा स्पर्श करने वाला दृश्य वाला मदद देखने वाला सुनने वाला खेल कूद वाला और उसके बाद क्या है स्पर्श वाला तो यहां पर आपके सामने जो जवाब होगा पांच का जवाब क्या है ऑप्शन नंबर सी वक्त से याद रखना इसको वक्त से याद रखना इसको पांच के बाद नंबर सिक्स आता है टीचिंग स्ट्रेटेजी बताइएगा जिसमें आप यूज करते हैं स्टूडेंट टीचर रिजोल्व करते हैं सर्टन प्रॉब्लम को एक नॉर्मल क्लास में विदोर्ट शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम एक क्लास के दौरान ही कम समय में जो आई प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन देने के लिए कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है ऑप्शन बताइएगा जल्दी जवाब क्या होगा सवाल का जवाब चुने बताइए क्या होगा इस सवाल का सही जवाब जी हाँ तो आपने जब जवाब चुना है लाइक करते रहिएगा आगे बढ़ते रहिएगा बाकी आपके सामने नंबर सिक्स आ गया सिक्स का जवाब क्या होगा माइक्रो टीचिंग है मैक्रो टीचिंग है नॉन फॉर्मल टीचिंग टीचिंगल सवाल का जवाब जितने लोगों ने दिया है सर जी स्क्रीन के सामने से हट जाएगा जवाब होगा वो याद रखिएगा इसको बोला जाता है माइक्रो टीचिंग क्या बोला जाएगा माइक्रो टीचिंग बहुत बढ़िया नंबर अच्छा एक सवाल बताना माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल होता है उसकी टाइमिंग कितनी होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू एनसीआर माइक्रो टीचिंग साइकिल के जो टाइम टेबल होता है या टाइमिंग होता है वो कितना होगा टाइमिंग जो होगा वो कितना होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आ चुका है बताइएगा बहुत सही जा रहे हो शाबाश 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 तो क्या जवाब दे रहे हैं भाई देखें जरा इस सवाल का तो आपने अगर इस सवाल का जवाब दिया है हमारे सामने यहाँ नंबर सिक्स का तो सिक्स का जवाब उनका सही होगा जिन्होंने इसमें क्या दिया ऑप्शन नंबर बी और माइक्रो टीचिंग की टाइमिंग बताई है थर्टी सिक्स मिनट आगे देखते चलो नया सवाल द एटीट्यूड वैल्यू कस्टम्स एंड लैंग्वेज दैट फॉर्म एन आइडेंटिफेबल पैटर्न और हेरिटेज इज कोल्ड अभिवृत्तियों मूल्यों रीति रिवाज और भाषा जो एक पहचान योग्य पैटर्न या विरासत बनते हैं वो क्या कहलाते हैं इकोलॉजिकल मॉडल कहलाते हैं कल्चर कहलाते हैं कल्चर कहलाते हैं या कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्ड के संदर्भ बच्चे के संदर्भ में जाते हैं बहुत बढ़िया छह से आठ नहीं बेटा छत्तीस मिनट होता है बिल्कुल जिन्होंने छह से सात मिनट दिया वो गलत दे रहे हैं पूरा माइक्रो टीचिंग साइकिल छत्तीस मिनट का होता है चलिए नया सवाल आपके सामने नंबर सात है सात का जवाब जितने लोग देंगे सात का जवाब देने वाले जितने भी लोग हैं कोई भी ऐसी चीज जो विरासत बन जाती है याद रखना वो मॉडल नहीं होता वो बदलाव नहीं होता वो बच्चे का संदर्भ नहीं उसको बोला जाता है कल्चर संस्कृति इसीलिए सोशलाइजेशन के टॉपिक के अंदर पढ़ाए जाते हैं बी बच्चा पार्टी नहीं सवाल का सही जवाब होगा कल्चर इसका रेसी का मतलब होता है जो आप सीखते बदलाते हैं आगे है ना तुमने मुझसे सीखा मैंने तुमसे सीखा इस तरह नहीं तो सवाल का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर आठ स्क्रीन पर ये रहा एनसीएफटीई की फुल फॉर्म बताइएगा एन सी एफ की फुल फॉर्म बताइएगा टीचिंग की यूनिट नंबर पांच से सवाल है टीचिंग की आपकी यूनिट नंबर पांच से सवाल है बताएं क्या होगा इस सवाल का सही जवाब जी यूनिट के अकॉर्डिंग फास्ट कर बिल्कुल इस स्पीड से चल रहा है बेटा कोई एकदम स्पीड से चलेंगे यहाँ पर स्पीड से चलेंगे बिल्कुल ये सारी चीज चिंता ना करिएगा स्पीड के साथ बढ़ते चलिएगा आपने जवाब दिया यहाँ पर आठ नंबर का आठ नंबर का जो जवाब है इसको बोला जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बताओ कौन से साल में आया था किस ईयर में आया था एन आ, तुम क्या समझे ऐसे सवाल नहीं कुछ ना कुछ नया आते रहेंगे एन टीई है जो वो बताओ किस साल में आया था एकदम फटाफट एक के बाद एक सवाल आएगा बेटा कौन से साल में आया था एनसीएफ टीई -E. जो एसई है वो चिल्ड्रन स्टूडेंट एजुकेशन वाला है आपके सामने यहाँ पूछा जा रहा है बताइएगा तो नंबर आपने जो जवाब दिया है इसको पूछा गया बताइए कब आया था कब आया था दो हजार पांच दो हजार पांच दो हजार पांच ही इतने राज्य क्यों रहे ब्याल को आ, गलत जवाब दे दिए गलत जवाब दे दिए कितने बालक जिन्होंने सही जवाब नहीं दिया 2005 वाले गलत हैं 2009 वाले बिल्कुल सही हैं कौन सा 2009 स्क्रीनशॉट स्क्रीन ले लो छाप लो ऐसे ऐसे सवाल जो पेपर में सीधा आएंगे नंबर देखो नंबर नो व्हाट इज द रीजन ऑफ ड्रॉप आउट स्कूल छोड़ने का रीजन क्या होता है याद करो मैंने तुम्हें पढ़ाया था एफ एल एन एफ एल एन के अंदर हम कहे थे हम पढ़े थे हमने देखा था हमने जाना था नंबर नौ ड्रॉप आउट का रीजन क्या होता है अब देखो इस क्लास में किसी बच्चे को अगर मजा ना आए तो क्लास को छोड़ के भाग जाएगा है ना तो इसी बात के साथ समझ लो तुम ड्रॉप आउट का मतलब जहां चीजें मजेदार ना हो रही हो बताओ जी तो आपके सामने नंबर नाइन ऑप्शन नंबर ए बी सी डी और आपने अगर इस सवाल का जवाब दिया है तो यहां पर आपने नंबर नाइन के साथ अगर चुना है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से मात्र याद रखिएगा मजा ना आना ही एजुकेशन का क्या है ड्रॉप आउट ऑप्शन नंबर डी देखो तुम क्या सोचे थे पनिशमेंट का डर ना बेटा ना इनेबिलिटी टू फॉलो द टोट ना हेल्प वाली बात नहीं अगर मजा ही नहीं इसका मतलब टीचिंग हमेशा कहा होनी चाहिए इंटरेस्टिंग होनी चाहिए पुष्पा ये नहीं चलेगा आई हेट टीयर्स डंडे पिटेंगे ना अब देखो जो पुष्पा है मैंने नहीं बोला पुष्पा इज ऑल अबाउट मेरे को राजेश खन्ना जी याद आ गए है ना तो यहां पर क्या होगा नो इंटरेस्ट इन है ना इंटरेस्ट अगर एजुकेशन में नहीं तो इसका स्कूल शुड कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे को एक एक बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए बच्चे को एक एक सॉरी स्कूल को एक एक बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए बताइएगा जी चलो 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 आगे है ना दिलचस्पी ना होना चलो नंबर आपके सामने दस आ गया नंबर दस जो आपसे पूछना चाह रहा उसका जवाब बताओ सवाल नंबर दस का जवाब बताओ चलो नंबर दस में अगर देखोगे तो दस कहता है भैया नैरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट इवन द इवन आउट एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट होगा अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट आर एबल और अनेबल टू लर्न होगा मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट फील एक्सक्लूसिव होगा अब देखो अगर बात समझोगे यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि भैया हमारा बच्चा हमारा है किसी और का नहीं मेरा दिगर मेरा जिगर का टुकड़ा दिल का चैन सुकून मेरे मतलब तो अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट आर एबल टू इसका मतलब प्रत्येक बच्चे को यह समझना कि कौन सा समझ रहा है कौन सा नहीं समझ रहा तो यह भी बात क्या है दस के जवाब के साथ ऑप्शन नंबर सी आगे देखो मजेदार सवाल नॉलेज ऑफ डैश विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर अ टीचर डीलिंग विद विध द्लास कॉम्प्रोमाइजिंग स्टूडेंट ऑफ मिक्स एज ग्रुप ओ हो मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा इसका मतलब जब एक से एक बच्चा हो अलग अलग बच्चा हो मिश्रित बच्चा हो तो बताइएगा आप उसके साथ जो चाह रहे हैं किस बात को ध्यान में रखना है आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं ए बी सी डी बहुत बढ़िया चल रहे हैं आप लोग जल्दी जल्दी चलते चले हां जी ओ भगवान जी तो आपने इस सवाल का जब जवाब दिया नंबर ग्यारह और ग्यारह का जवाब आपने अगर चुन लिया है ऑप्शन नंबर ए तो गलत है ग्यारह का जवाब सही होगा मेरे बच्चे अगर अलग अलग ग्रुप के मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी होंगे तो एक टीचर को हमेशा बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेज को ध्यान में रखना चाहिए इसीलिए इस सवाल जो डेवलपमेंटल टास्क आपकी यूनिट नंबर वन में पढ़ते हो नहीं किस में नहीं किसमें पढ़ते हो वन में तो इसके बाद यहां बेटा घर वालों का व्यवसाय नहीं देखें उसका कल्चर नहीं उसका सोशो इकोनॉमिक नहीं हम बच्चे के डेवलपमेंटल स्टेज को ध्यान में रखते हैं बता दो कौन सी एक ऐसी है जो अध्ययन की स्किल नहीं है स्टडी स्किल नहीं है स्टडी स्किल नहीं है बताओ कौन सी स्टडी की स्किल नहीं है ऑप्शन नंबर डी जल्दी जवाब दें कौन सी स्टडी की स्किल नहीं है जी तो आपके सामने आता है ग्यारह का जवाब बी ओ हो ग्यारह तो बी दिए थे हम ठीक था बारह का जवाब बेटा क्वेश्चन नहीं पढ़ा ध्यान से ध्यान से पढ़ो ध्यान से पढ़ो सवाल का जवाब आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टडी स्किल ले भाई राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट नोट टेकिंग आएगा डिक्शनरी गेटिंग एन इन्फॉर्मेशन फिर एनसाइक्लोपीडिया नंबर बारह का जो सही जवाब होगा देखो अगर इसमें जाके देखोगे ये वाली बात तो सवाल बेटा राइटिंग फॉर्मल के लिए पढ़ोगे नोट टेकिंग के लिए पढ़ोगे लेकिन डिक्शनरी को देखना इस सवाल का एक जवाब बहुत जगह आपको ऑप्शन नंबर ए दिखाई देगा बेटा जेकिन जो फॉर्मल करेगा उसे पढ़ना ही पड़ेगा तो इसका मतलब याद रख डिक्शनरी को पढ़ने के लिए कोई डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं होती सवाल का जवाब होगा नोट टेकिंग अरे पगलो जब मैं यहां लिख रहा हूं तो तुम अपने कॉपी में नोट्स उतारोगे तो इसका मतलब उस दौरान पढ़ रहे होगे जब तुम कोई फॉर्मल रिपोर्ट बना रहे होगे पढ़ रहे होगे बिना पढ़े कोई लिखा सकता है स्टडी के बिना और बेटा इनसाइक्लोपीडिया जब गूगल से ढूंढ रहोगे तब भी लेकिन जब डिक्शनरी है उसमें बस जो शब्द दिमाग में किसी ने पूछा इस शब्द का मतलब गए देखा काम खत्म चलेगा आगे बढ़ेंगे नए सवाल बी का बेटा नोट टेकिंग तो बच्चा नोट्स लेने का मतलब होता है यहां नोट्स लेने ऐसे नहीं है कि खरीद ले भाई दस रुपए के नोट्स दे दे यहाँ नोट टेकिंग नोट मेकिंग दो चीजें होती हैं नोट टेकिंग में आप एज इट इज करते हैं नोट मेकिंग में आप चीजों को क्या करते हैं खुद से क्रिएट इसको इस तरह समझो नोट टेकिंग इज लाइक एसिमुलेशन एंड नोट मेकिंग इज लाइक like एकोमोडेशन तो आगे समझ में बाकी जानकारी के लिए आगे बढ़ते रहिए मॉक टेस्ट में इतनी जानकारी बहुत है आगे चलो भाई एक्सटिंक्शन ऑफ अ रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट फॉलोइंग इसका मतलब प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्न में से किसके बाद अधिक हो कठिन है मतलब प्रतिक्रिया का विलोप होना किसके बाद कठिन हो जाता है बताइएगा जल्दी आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी आ रहा है जी बेटा स्टडी एक ओ पगले मेरे बेटा एक होती है रीडिंग एक होती है स्टडी आप जब किसी की स्टडी करते हो तो अध्ययन जैसे जर्नल स्टडीज होता है क्या होता है जर्नल स्टडीज ध्यान से पढ़ना इसका मतलब जब पढ़ोगे लेकिन कभी डिक्शनरी में देखने के लिए बेटा उसे याद नहीं करते डिक्शनरी याद नहीं करी जाती ठीक है समझ गए चलो आगे बढ़िएगा नया सवाल आपके सामने आया और जिन्होंने आपके सामने जवाब दिया है वो देखेंगे नंबर थर्टीन का थर्टीन का उन बालक बालिकाओं का बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए ना पार्शियल री बेटा एक बात पूछो सवाल ने पनिशमेंट अरे नालायक को तुम सवाल की भाषा समझना शुरू करो सवाल ने देखो सारे लोग सी दे रहे हैं बी दे रहे हैं ओ ओ ओ एक बार सवाल की तरफ बढ़ो सवाल ने कहा था कि एक्सटिंक्शन ऑफ अ रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट फॉलोइंग प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्न में से किसके बाद कठिन हो जाता है इन्होंने नहीं कहा आसान हो जाता है अरे भैया एक बात देखो अगर तुम पार्शल रे रहोगे तो कभी कोई चीज एक्सटेंशन में पहुंचेगी विलोप होने का मतलब होता है अगर कुत्ते को खाना नहीं दिया गया तो बार बार नहीं दोगे तो इसके मतलब कुत्ता भूल जाएगा लेकिन सवाल में क्या है अगर तुम टाइम टू टाइम देते रहोगे तो भूलेगा क्यों आपने क्या कर दिया क्वेश्चन अरे पगलो ये सी का सवाल है ये वैद्वान जी की क्लास में नया अपडेटेड सवाल था आए समझ में कि नहीं आए इसने ये कहा हमने भाषा ही बदल दी यहां पर सवाल है ऑफ इज मोर डिफिकल्ट होगा तो इसका मतलब अगर मिलता रहेगा अगर अगर तुम्हें मिलता रहेगा जैसे अगर मैं रोज ये क्लास डेली लेता चलता रहूं तो तुम्हें पता है ना कि नौ साढ़े आठ बजे गुरु जी आएंगे क्लास लेने के लिए समझ गए चलिए बेटा एक्सटेंशन का मतलब होता है जब आप किसी काम को रोक देंगे वो अलग है चलिएगा नहीं कॉन्टिन्यूसली पार्शल सबसे बढ़िया होगा चलो आगे देखो और पार्शियल री एनफोर्समेंट हमेशा सबसे बढ़िया होता है आगे समझ में चलेगा आगे बढ़ेंगे नए सवाल में तुम फ्लो फ्लो में समझ गए आगे करके आगे आगे बढ़ो आगे बढ़ता है नया सवाल है ना आगे आता है नया सवाल मॉक टेस्ट है बेटा एक सौ अस्सी की जानकारी भी देनी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड क्यों बच्चों के लिए कौन सा भैया ये पूछ रहा है संवेगात्मक विकास के लिए सबसे बढ़िया क्या होगा सर्वाधिक उपयुक्त होगा जल्दी ऐसे गलत होंगे बेटे नहीं बेटा सवाल याद रखना साक्षी दो होते हैं सवाल में अगर पार्शियल इज ऑलवेज टाइम टाइम पर दिया जाना ठीक है एक सवाल सिर्फ एचटेट का आता है सिर्फीन री एनफोर्समेंट था चलेगा नया सवाल नंबर 14 का जब आप जवाब दे रहे हैं तो फोर्टीन आपके सामने किसको लेके चलेगा 14 में ही जो सवाल आएगा 14 का जो जवाब होगा बिल्कुल सही होगा वहां देखिए सबसे बढ़िया इमोशनल डेवलपमेंट वहां होगा जहां इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा जहां कट ऑटोटेरियन हो होगा जहां पर क्या होगा डेमोक्रेटिक अगर कक्षा का व्यवहार प्रजातांत्रिक है तो डी जो है सही आगे देखो नया नंबर पंद्रह सवाल नंबर फिफ्टीन आपके सामने आया और नंबर पंद्रह आपसे पूछना चाहता है जो आपके सामने आता है ये वाला नंबर पंद्रह पूछ रहा है टू बी एन इफेक्टिव टीचर इज इट इज इंपोर्टेंट एक अच्छे टीचर बनने के लिए क्या होना चाहिए बताएं नंबर आपके सामने आया है हमारा फिफ्टीन जवाब दें भाई जल्दी नंबर पंद्रह बहुत सही बहुत सही बहुत सही पंद्रह का जवाब दो भाई और अगर आपने पंद्रह का जवाब दे दिया है तो पंद्रह का जवाब अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है देखो एक अफेक्टिव टीचर का मतलब होता है फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रेदर देन ग्रुप एक्टिविटी वैसे सही बात है कोई दिक्कत नहीं है अवॉइड करेगा डिस्टर्बन कोज ड्यू टू क्वेश्चनिंग बाय ये अवॉइड करेगा तीसरा बी इन टच विद ईच एंड एवरी चाइल्ड सब बच्चों के क्या रहे संपर्क में रहे ध्यान रखें और इम्पेताइज करेगा डिक्टेट करना आंसर को जी नहीं तो देखो इसमें तुम्हें ए भी सही लगेगा बी भी सही लगेगा सी भी लगेगा लेकिन दिल दिमाग और ध्यान दोगे तो बेटा फोकस करना इंडिविजुअल लर्निंग तो क्लास में हम पूरी क्लास को देखते हैं किसी एक इंडिविजुअल को नहीं बट हर एक इंडिविजुअल को ध्यान में रखना अलग तो इसलिए ए हो जाएगा कट अवॉइड करेगा अगर बार बार आप उस चीज को अवॉइड करोगे तो क्लास में डिस्टर्बेंस बढ़ता जाएगा बट सवाल का कहता है बी इन टच इसका मतलब प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेंगे प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखेंगे इसलिए सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका सी तो जितने लोगों ने सी चुना बढ़िया नंबर नया टीम टीचिंग जो मेथड है उसके एडवांटेज क्या होते है? हैं नहीं पूछा है। कौन सा टीम टीचिंग मेथड का एक एडवांटेज नहीं है आपके सामने सवाल आया है बताइए क्या होगा इस सवाल का सही जवाब जी हां बताएं जल्दी तो आप दे रहे हैं इस सवाल का जवाब यहां पर आपके सामने नंबर आपके सामने चलते हैं ऑप्शन नंबर एबीसीडी से सोलह नंबर का जवाब प्लीज अगर आपको लगता है कोई एक दो ऑप्शन आगे पीछे हैं या आप उससे जस्टिफाई स, वो सेटिस्फाई नहीं करते तो आज के बाद अंत में हम आप अपने क्वेश्चन रखिएगा आखिरी के 10 से 15 मिनट हम उस पर डाउट लेके चलेंगे ठीक है नंबर 16 आपके सामने है सवाल नंबर 16 का है, 16 का का जवाब जवाब है मेरे बच्चे टीम टीचिंग में बेस्ट फैकल्टी और मोर स्टूडेंट के बीच शेयर होता है ठीक है इन्वॉल्वमेंट होता है टेक्निक डिवाइस का सही बात है इंप्रूव करता है टीचिंग क्वालिटी का ठीक है लेकिन बेटा ये इफेक्ट होता है सोशो इकोनॉमिक से जी नहीं तो सवाल का जवाब डी सोलह के बाद बेटा सत्रह नंबर देखो अर्लिएस्ट मोड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ये पूछता है कि दूरस्थ जो शिक्षा होता है सबसे शुरुआती तरीका कौन सा था आपसे पूछा जाता है जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसका अर्लिएस्ट स्टार्टिंग में आप उसे किस तरीके से देखते थे एजुकेशन थ्रू कोरोस्पोंडेंस देखते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता था फेस टू फेस सेशन होते थे या उसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग बोला जाता था नंबर सत्रह आपके सामने जब आएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन का तो मेरे बच्चे जिसे आप डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं उसे तुमने सुना होगा कोरोस्पॉेंस जो पत्राचार के माध्यम से तो पहले ये कहलाती थी, थी पत्राचार आज लेंगे डिस्टेंस दूरिया भी हैं जरूरी पढ़ने के लिए भी ठीक है हाँ भाई मतलब मैं तुम्हें तो अकल भी दे रहा हूं मैंने कहा था संज्ञा छोड़ दो तो फिलहाल दूरिया बना के रखो पेपर पढ़ते रहो जब पेपर पास हो जाए नौकरी मिल जाए फिर फिर बस आगे तुम समझदार हो आगे बढ़ो नंबर आपके सामने आता है सत्रह के बाद अट्ठारह कि द प्रोसीजर यूज बाय टीचर टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर इन वेरियस फील्ड ऑफ लर्निंग आर पार्ट ऑफ आपसे पूछा गया सीखने के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रतिक्रिया क्या लगती है बताइएगा आज के आपका इस सवाल का जवाब क्या होगा चलो दूरिया बढ़ी ठीक है, है पढ़ ले नंबर अठारह का जवाब ऑप्शन नंबर एबीसी में देखो प्लेसमेंट असेसमेंट की कोई बात नहीं है फॉर्मेटिव सुधार है डायग्नोस निदान है सबमेटिव उसका रिजल्ट है तो पूछा है कि भैया आप आइडेंटिफाई और भैया जान पहचान तभी हो पाएगी जब साथ होगा अब साथ होगा तो दौरान तो होगा और जब दौरान होगा तो गलतियां पहचान नहीं है इसमें ये पता करना है कि जो डिफिकल्टीज होती है उसको तो कैसे पहचानोगे तो कमियां बताने के लिए आपको डायग्नोस करना पड़ेगा और डायग्नोस करोगे तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट प्रिडिक्ट स्टूडेंट एकेडमिक सक्सेस सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है जो बच्चे की अकादमिक सफलता की भविष्यवाणी कर सकता है बताइए जरा कौन सा है भाई एकदम बढ़िया जा रहे हैं आप लोग साबास साबासबाश साबास। एकदम सर्वोत्तम तरीके से आप पकड़ रहे नंबर नाइनटीन का जवाब दें जी तो नंबर नाइनटीन का आपने जब जवाब दिया सवाल नंबर उन्नीस का तो नंबर नाइनटीन में जो जवाब है मेरे बच्चे यहाँ प्रिडिक्ट तो याद रखना किसी की पर्सनैलिटी से किसी की फिजिकल हेल्थ से किसी के मोटिवेशन नहीं किसी की इंटेलिजेंस आगे जाके मेरा बच्चा हीरो बनेगा हीरो है ना तू अजय करना जुनिया मेरा बदला लेंगे मेरे बच्चे है ना हाँ पता चल गया फिर कहता है ये ना बदला लेंगे भैया तो बुद्धि से पता चलता है जैसे इसीलिए याद रखिएगा जैसे है ना तुमने अगर तुम्हारा मजबा भाई मैथ में तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा है तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे ना मेरा बच्चा मैथमेटिजिशियन बनेगा या कुछ ये बोलेगा मैथमेटिक वाला बनेगा अब तुम्हें गाना बजाने में शौक हो तो तुम्हारे गाँव में बोलेंगे एक शब्द बोला जाता है वो हम बोलेंगे नहीं बट यहाँ पे संगीतकारी बोलते थे ठीक है नंबर उन्नीस के बाद मेरे बच्चे बीच देखो जेनेटिकली प्रोग्राम नेचुरली अकरिंग चेंजेस इसका मतलब ओवर टाइम्स आर अनुवांशिक रूप से समय के साथ स्वाभाविक रूप से होने वाले जो परिवर्तन है वो क्या कहलाते हैं बताए आज मैंने भी ऐसे सवाल दे दिए दो दिन का बदला ले लिया अपना तुम बहुत मजे में घूम रहे थे बेटा आओ जरा नंबर बीस अगर तुम्हें क्लास पसंद आ रही तो लाइक करते चलो नंबर आपके सामने बीस है सवाल का जवाब बीस ऑप्शन नंबर जी हाँ ये आपके सामने बीस आ रहा है ठाकुर ये देखो मैच्योरिटी वाला आएगा डेवलपमेंट आएगा इवेल्युएशन वाला आएगा ट्रांजिशन आएगा देखो है ना इवेल्युएशन नहीं इवेलट्री नहीं, नहीं होगा है ना तो अब आप अगर आपके सामने बीस का जवाब आएगा तो देखो बीस जवाब देगा भैया ये याद रखना अगर अनुवांशिक रूप से कर्मादेश समय के साथ साथ स्वाभाविक रूप से होने वाले परिवर्तन देखो भैया जो तुम में हो रहा हो इसी को बोला जाता है मेच्योरिटी क्या बोला जाता है मेच्योरिटी और समय के साथ साथ तुम अपना बड़े होते चले जाते हो समय के साथ साथ तुम्हें पता चल जाता है क्या सही क्या गलत तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए आगे बढ़ो बीस के बाद इक्कीस नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच व्यू लर्निंग इज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस ऑफ अकरिंग एंड यूजिंग ऑफ नॉलेज आ आ आ चलेगा नंबर आपके सामने ट्वेंटी नाइन आ गया जी हां बताओ भाई क्या होगा इस सवाल का जवाब बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं आप और बहुत ही बढ़िया जाने के बाद आपके सामने आ गया हमारा नया सवाल नया सवाल जब आ रहा है इसने आपको जवाब क्या दिया आप बताओ भाई जी नंबर 21 का जो जवाब होगा नंबर 21 का जो जवाब होगा तो 21 का जवाब बढ़िया याद रखिएगा 21 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कंस्ट्रक्टिविज्म इसका मतलब रचनावादी होंगे क्या होगा सक्रिय एक्टिव के बारे में क्या बोलते हैं बिल्कुल सही इक्कीस के बाद बाईस नंबर अकॉर्डिंग टू प्याजे यूज ऑफ चार्ट ग्राफ एंड डायग्राम इज अजफुल स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन एट पियाजे के अनुसार बच्चे को पढ़ाने के लिए चार्ट ग्राफ और आरे का उपयोग एक उपयोगी रणनीति है ये क्या होता है बताए नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं नंबर आपके सामने ट्वेंटी टू है ट्वेंटी टू का जवाब दीजिएगा सवाल नंबर बाईस ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जी हां देखिए भाई एक बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है उसका मैसेज वैसेज पढ़ लो एक बार मैं तो पढ़ नहीं आप पढ़ लो चलेगा नंबर बाईस ऑप्शन नंबर ए बी सी डी और बाइस का जो सही जवाब होगा बेटा याद रखना जहां बच्चा चार्ट और ग्राफ इसका मतलब लॉजिक लगाना शुरू कर देता है और वो सेंसरी नहीं वो प्री ऑपरेशनल नहीं वो फॉर्मल नहीं उसको बोला जाता है कॉन्क्रीट क्योंकि कंजर्वेशन आ जाता है इसको बोला जाता है आपका ठोस परिचलन या मूर्त है ना क्या बोला जाता है मूर्त संचालन वाला चलेगा आगे आता है बिल्डिंग मीनिंग बाय कनेक्टिंग व्हाट इज टू बी लर्न विद विद्लिश वर्ड और इमेज इज टू स्थापित शब्दों या छवियों के साथ जो जुड़ना है उसे जोड़कर अर्थ का निर्माण करना पता है मैंने आपको क्या दिया है मैंने आपको एक चीज दी है जिसके बारे में आपको सामने ये है आ, बहुत सारे लोगों ने किताब बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों ने मतलब एक बेनती या प्यार दिया उस किताब को उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहने वाला हूं मतलब सच में मतलब एक उस लेवल पर पहुंचाना जहां आपने मुझे अरे हाँ याद नहीं रहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गया सॉरी भाई अभी याद आया तो अमेजोन ने हमें दिया है मतलब आपको बताना भूल गया अमेजोन इंडिया ने एक मेल दिया और उस मेल को मैं आपको शेयर कर देता हूं तो आपको फॉरवर्ड करके दिखाता हूं ताकि आप भी उस चीज क्योंकि आप हैं असली अकदार और अगर मैं आपके साथ उसे शेयर ना कर पाया तो फिर क्या शेयर किया ठीक है अभी मैं आपके सामने एक चीज दे देता हूं और वो क्या है आ, ये ये रहा एक सेकेंड सर मैंने दिखा दो बालकों को हमारे हम्म नोट्स पे भेज रहा हूँ आप वहां से नहीं यहीं से दिखा दो कट करके भाई सॉरी मैं बीच में एक मिनट ले रहा हूँ तुम लोगों की वो आपके वजह से हुआ है तो मैं बता दू वो एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित हुआ है मतलब टीचिंग के इतिहास में और जहाँ अमेजोन जैसा होता है तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिंदगी में जो आपको लाइफ में कभी कभी नसीब होती है आपके काम पर तो ये है अमेजोन का तो अमेजोन इंडिया जो है उन्होंने हमें कहा था होप यू आर डूइंग बढ़िया बढ़िया तो बोल दिया और इन्होंने हमारे सामने रखा ये वाला और वो है आपके सामने ये कि भाई मतलब एक होता है ना तो फरवरी एडिशन के लिए तो इन्होंने हमें अपना वी वुड टू बी टू नॉमिनेट रोहित वैदव एज द मेंटर ऑफ द मंथ मतलब अमेजोन इंडिया ने आप देख सकते हैं उनकी तरफ से हमें मेल आया और उन्होंने हमें बुक्स कैटेगरी फॉर द फरवरी एडिशन मतलब फरवरी मंथ पर उनकी पूरी जो वेबसाइट होगी उस पर हमें क्या तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका मतलब ये प्यार था कि इन्होंने रोहित वैदवान जो मतलब मैं तो उन्होंने जो क्या है एज द मेंटर ऑफ द मंथ चुना है तो मेंटोर ऑफ द जिस आप मेंटर ना बोल के मेंटोर बोलते हो तो बहुत 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 धन्यवाद इस चीज के लिए मतलब सदैव आभारी रहेंगे जो चीजों के लिए हिंदुस्तान का नंबर वन नेशनल सेलर आपने बनाया उसके बाद वहां से हमें को वो दिया मेंटोर होता है ये मेरे याद नहीं रहा ये मतलब क्लासेस के दौरान हमने इतना कर दिया है ना प्रचार जिन लोगों को ये प्रचार लगता है जिंदगी में बेटा जिस दिन कुछ कामयाब हो ना और माँ बाप को दिखाओगे तो यहाँ पर आपके सामने जब आता है ना तो कुछ लोगों को कभी कोई समझा नहीं सकता बता नहीं सकता कुछ लोग ऐसे हैं जो वैसे ही रहेंगे जिनके जिंदगी में ना मतलब दूसरों की खुशी के साथ शेयर ना करके है ना प्रचार नहीं है ये मेरे बस आपके साथ कॉन्ग्रेचुलेसन मतलब बहुत बहुत तय दिल से धन्यवाद क्या आप लोगों की वजह से हम यहाँ चलेगा पढ़ाई की तरफ लौटते हैं दोबारा यहाँ अच्छा एक बात तो है अगर कोर्स देने आए तो हर कोई वीडियो बनाने आएगा कि रोहित वैधवानी और कोई ये नहीं कहेगा वो अंदर रोज क्लास ले रहा है केवीएस की है ना इस पर कोई नहीं कहने आएगा खैर हमें कुछ भी नहीं हमें तुमसे मतलब है आ जाओ चलो रेस्पेक्ट थैंक यू थैंक यू नंबर ट्वेंटी थ्री ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आता है और ट्वेंटी थ्री का जब आप जवाब देते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का आपके सामने जो जवाब आएगा तो इसका मतलब जब आप स्थापित शब्द या छवियों के साथ जो, जो जोड़ना है उसे जोड़कर अर्थ का निर्माण करते हैं इसको जो बोला जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री को इसको बोला जाता है बेटा निमोनिक स्ट्रेटेजी है ना स्मरणीय रणनीति बहुत बढ़िया निमोनिक आगे बढ़ेंगे नए नंबर चौबीस का नंबर है फोलोइंग डू यू कंसिडर मोस्ट इंपोर्टेंट टू प्रीवेंट क्लासरूम डिसिप्लिन प्रॉब्लम आपके सामने ये आता है कि बताइएगा कक्षा अनुशासन कक्षा अनुशासन की समस्याओं को रोकने के लिए आप निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं बताइएगा जी हाँ जी तो आपके सामने जब आता है किसको महत्वपूर्ण आप क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे स्टूडेंट के बिहेवियर के लगातार उस पर नजर रखेंगे पहली बात दूसरा आपके सामने आता है स्टेब्लिश करेंगे रूल एंड प्रोसीजर करेंगे कि भैया उसके लिए नियम और प्रक्रिया स्थापित करेंगे ठीक है क्रिएट करेंगे क्लासरूम उत्तेजक वाला ये तो गलत हो गया तीसरा रिवॉर्ड स्टूडेंट फॉर गुड बिहेवियर चलो माना जाएगा बट यहां पर कहता है कि आपको अनुशासन की समस्याओं को रोकने के लिए इसका मतलब दिक्कत ये अब तुम में से आधे से ज्यादा लोग क्या करेंगे सवाल को बिना पढ़े इसका जवाब दोगे सर जी क्रिएटिंग आ गया और मैं जानता था तुम मेरे बालक हो मैं तुम्हारा

कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन का आपको बताना है कि कौन सा उससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव है नंबर पच्चीस ऑप्शन नंबर डी चलो नंबर आपके सामने 25 है अफेक्टिव डोमेन ये होता है जो आपके दिल से जुड़ा होगा अब देखो दिल से जुड़ा जो काम होगा उसमें बेटा एक बात तो तय है कि उसमें ना पिक्चर बोल रहा है लेटर बोल रहा है ग्राफ बोल रहा है ऑनेस्टी है बेटा भावना देखो तुम्हारी में यही तो है ना अब तुम ईमानदारी के साथ आओ तो बढ़िया लगेगा अब तुम आ रहे हो इस मॉडल टेस्ट को देने इस वजह से कि ठीक है चलो एक घंटा पास करके आ जाते हैं तो कोई फायदा नहीं ना नंबर छब्बीस आओ छब्बीस है विच ऑफ द फोलोइंग वुड बी मोर यूजफुल सो एलिमिनेट रूटीन मिस बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास रूम भैया सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा जो बच्चे क्या गए नियमित क्या करते हैं गलत फहमिया गलतियां करते हैं उसको दूर करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा आपसे हमने यहां आप पूछा है जल्दी जवाब दीजिएगा वो क्या होता है डन नंबर आपके सामने है हमारा ट्वेंटी सिक्स बताइएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का जवाब क्या होगा ट्वेंटी सिक्स का जवाब जितने भी भाई बहनों दोस्तों ने दिया है उनका जवाब अगर ये है तो आप क्या करेंगे बेटा रिमूव करेंगे पोटेंशियल टर्बल मेकर फॉर्म क्लास होगा नॉन वर्बल क्लू देंगे इग्नोर करेंगे इग्नोर तो गलत हो गया देखो सवाल ने कहा है Which of the following would be more useful to so eliminate routine misbehavior of a student in क्लास classroom? अब आपने क्या करेंगे देखो सबसे बढ़िया एक इकोनॉमी होती है जिसे आप टोकन इकोनॉमी बोलते हो और टोकन इकोनॉमी तो अगर तुमने आज ये नहीं किया तो हम तुम्हें ये वाली चीजें देंगे टोकन इकोनॉमी होता है कि लालच दे देना है बच्चे को तुम ऐसा काम कर ले अगर तुमने इस मिसबिहेवियर को आज नहीं किया तो अगली बार हम तुम्हें क्लास का मोनिटर बना देंगे तो इस तरीके से इसको जो बोला जाता है प्रोवाइडिंग टोकन रीनफोर्सर एंड रिवॉर्ड होता है पहले वाला रिमूव पोटेंशियल टर्बल मेकर सी ऐसा नहीं बेटा। क्लास में सारे बच्चे तो नहीं नॉन वर्बल क्लू का मतलब क्यूज का मतलब बस हमेशा आंखें दिखाते रहना उसकी तरफ इग्नोर वाला होगा नहीं हम क्या करेंगे अगर तुमने ये वाला काम नहीं किया तो तुम्हें हम आगे जाके कुछ इनाम देंगे है ना इस तरीके से छब्बीस के बाद सत्ताईस देखो आपको पूछा गया है कि कौन सी ऐसी टेक्निक या प्रोसीजर होगा जो क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है और लाभदायक होती है सिमुलेशन होगा एक्सपेरिमेंटेशन होगा होगा या फिर आपके सामने ब्रेन स्टोर्मिंग होगा बताओ नंबर ट्वेंटी सेवन का जवाब क्या होगा ट्वेंटी सेवन वाले बेटा अभी ओसबोन साहब को मुझसे पढ़ के आए थे बैच में जो इस सवाल का जवाब देगा वही दे देगा जवाब जल्दी 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 चलो भाई तो आपने इस सवाल का जो जवाब दिया वो क्या है देख लेते हैं सवाल का जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही जा रहे हैं मेरे बच्चे है ना हाँ चलेगा आपके सामने जो इस सवाल का जवाब जितनों ने ब्रेन स्टोर्मिंग ओसबोन साहब इसके क्या है जन्मदाता है बच्चे का दिमाग खुल जाना अपने आप से वो हर चीज के एक से ज्यादा तरीके सोचता है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम आर नॉट टेस्टेड अप्रोप्रिएटली इजी टाइप क्वेश्चन मतलब आपको बताना है भाई ये वाली बात के जो निम्न प्रकार के प्रश्न होते हैं उनमें से कौन से सीखने के परिणामों को आप उचित रूप से दर्शाते नहीं है पता नहीं कर पाते नंबर अट्ठाईस का जवाब दें सवाल नंबर अट्ठाइस ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या होगा जी सवाल नंबर अट्ठाइस ऑप्शन नंबर एबीसीडी जल्दी जवाब दे दीजिएगा क्या होगा इस सवाल का सही जवाब तो आपने जो अट्ठाइस नंबर का जवाब दिया है यहां आपके सामने जी अट्ठाइस का जो जवाब होगा वो क्या होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जी हां तो 28 का जो जवाब आपने दिया है 28 का जो जवाब आपने दिया है वो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी प्रॉब्लम सोल्विंग एबिलिटी बिल्कुल सही बात है क्योंकि बेटा इसमें क्या होगा नोट no टेस्टेड इसमें नहीं क्योंकि ये तो पूरा लिखोगे अब देखो Ability to organize and integrate it बिल्कुल सही होता है Ability to short and interpret बिल्कुल to the point लिखना Ability to analyze fact and principle बिल्कुल रखना लेकिन बेटा problem solving ऐसे थोड़े ना एक चीज आएगी ऐसे होता है किसी चीज के बारे में लिखना देखो तुम अपने टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ पगलो इसीलिए मैं बोल रहा था तो मेरे को तुम हल्के मत में लिया करो आगे ना तुम अपने उसी चीज पे तुम बड़े दिन से चल रहे थे मैंने सोचा चलो छोड़ दो बालक है बालक है आगे ना और तुम ये देख लो मेरी बस पोर्टल में दो तीन दिन में क्लास खत्म हो जाएगी मेरी है ना पूरा पेड़ा गोजे फिर तुम सोचो पोर्टल वाले बच्चे को और यहां वाले बच्चे को मिला के कैसे धन धनाधन दं करूंगा मैं तुम्हारी बेटा याद रखना एक ही टारगेट है मेरा वो नौकरी दिलवाना इसके अलावा अभी मेरी जिंदगी में कोई टारगेट ही नहीं है बस पहला और अंतिम टारगेट नौकरी दिलाना क्लियर है वाली बात आ जाओ तो इस सवाल का जवाब डी हो गया आगे बढ़ेंगे भाई नई सवाल की तरफ मैसेज चला दो नंबर उनतीस का जवाब दीजिएगा ए टीचर का आस्क हर स्टूडेंट टू रीड द न्यूज अबाउट रिसेंट इवेंट एंड इन द स्टेट देन द स्टूडेंट आर आस्ट टू क्लासिफाई द इवेंट इन टू डिफरेंट रूलिंग सिस्टम द पर्पज ऑफ दिस लर्निंग मतलब भाई तुम अखबार में पढ़ो ये देखोगे रिसेंटली तुम्हारे बाजू में क्या चल रहा है बताइएगा जी डेल साहब समझिएगा आप बिल्कुल जो बार बार मैसेज कर रहे हैं उसका एक समाधान होता तो मैं जरूर देता और मैंने आपको बोला आप किताब ले लीजिएगा ई नोट्स इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनके पास चीजें आराम से कलेक्शन में प्रिंट ना होना आप देखना चाहते हैं मैं आपको दिखा दूंगा तो आप हैरत में मान जाओगे ये लो तुम नहीं चाहते ना ये मैं दिखा देता हूं पता है ये देखो तुम लोग क्या करते हो ये एक टीचर की मेहनत होती है ऐसा नहीं कि मुझ तक नहीं था लेकिन लोग ना काम करते मैं पहले भी दिखा सकता ये चीज लेकिन अगर आपको लगता है दिखाना तो चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं आज फिर उसके बाद नंबर तीस तक सवाल कर दो उसके बाद दिखा रहा हूं एक चीज ठीक है आ जाओ जरा देखा अध्ययन की क्लास के नोट्स ये लो तुम भी देख लेना अगर तुम्हें लगता है कि तुम चोरी करके पढ़ सकते हो तो पढ़ लो ऐसे कुछ नहीं होता ये वाला लेकिन रिसोर्सेज की बात बात नहीं है है ये कि आप लोगों को ऐसी आदत की आप ना नीचे जाके पूछते पीडीएफ कहाँ मिलेगी आप उन चीजों को जन्म दे रहे हो जो नहीं ये रहा बच्चे की हमारी जो ओ, क्लास की ना पी ये देखो कैसे यहाँ और और तो छोड़ो एक चीज और दिखा देता हूँ पूरे एक सौ पेजेज में कन्वर्ट कर दिया है ना यहाँ चलो ये छोड़ो और तो देखो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक सबसे बड़ी बात और मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ऐसा कि नहीं, नहीं दिखाऊंगा मैं दिखा रहा हूं मुझे इस बात से भी कुछ फर्क नहीं देखो ये देखो ये मेरी किताब है ना ये देखो कैसे फोटो ले कितनी मेहनत करी होगी इस इंसान ने अगर ये पढ़ लेता इतनी देर तो क्या बिगड़ जाता इसका देखो इसने और उसके बाद लिख दिया होगा कि इतने पैसे तो इतने मिल जाए मुझे पता है किसने किया है बट देखो फिर भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा क्यों क्योंकि देखिएगा आप गलत काम को अपनी तरफ से रोक सकते हैं सबको थोड़ी ना अगर मैं इसको रोकने में लगा तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कब तो बहुत सारी चीजें जो हमें पता होता है लेकिन हम इसलिए नहीं बताते मैंने कहा सामने वालों को लगता है मैं नहीं पता मैं पता हमें सब है इसने क्या करा बहुत बेहतर तरीके से मैं जानता हूं लेकिन मुझे पता है कि मेरा बच्चा मेरी किताब का तो खरीद के पढ़ेगा नोट्स में पढ़ेगा नंबर ट्वेंटी ऑप्शन नंबर एबीसी और नाइन का जो जवाब है अब क्या होगा ट्वेंटी का जो जवाब होगा देखिएगा क्या फंस जाता है ट्वेंटी में मेरे बच्चे कुछ भी कर लो अगर एक टीचर आपसे कह रहा है कि रीड द न्यूज़पेपर तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि ऊपर से लेके आ जाओ सीधी सी

तुम लोगों को जो सवाल आते हैं मैं तुम्हें सब सच में टाइम पास वाले सवाल लेता हूँ क्या मैंने तुम्हें यह दिया कि बताओ ट्रायल एंड एरर क्या होता है क्या मैंने तुमसे यह कहा कि वाटसन ने कौन सी थ्योरी दी है बेटा जो सवाल आने नहीं मैं उसे करा भी नहीं रहा मैं आपको यहां पर भी वही सवाल कराता हूं जो आपके पेपर से रिलेटेड है चलिएगा नंबर आपके सामने थर्टी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी थर्टी का जवाब दीजिएगा सवाल नंबर तीस का जवाब दीजिएगा चलो नंबर आपके सामने आता है ये वाली बात देखो एनसीआरटी ने जो बोला है वो इसने बोला है इस बात के साथ नंबर तीस अगर आप पकड़ोगे तो तीस का जो जवाब होता है बेटा वन फोर्थ ऑफ द टोटल टाइम याद रखना एनसीआरटी का वन फोर्थ ऑफ द टोटल टाइम क्या होगा तीस अगर कभी नहीं पढ़ा तो अपने पास पढ़ लो याद रखना जो भी आपकी पढ़ाई का टाइम होगा उसका वन फोर्थ कितना इसका मतलब आपको कहा स्कूल एलोकेट करेगा आर्ट एजुकेशन को स्कूल में आर्ट एजुकेशन को तो याद रखना अगर कला शिक्षा के बारे में पूछेगा बेटा तो चार का क्या होगा मतलब एक चौथाई सामने टाइमर शुरू हो गया फटाफट जवाब दो आठ मिनट में शुरू करना है ये रहा बताइएगा पैरासाइटिक जो प्लांट होता है परजीवी जो पौधा है इनमें से कौन सा है जल्दी जल्दी स्पीड के साथ चलो भाई स्पीड के साथ चलो कोई बात नहीं बेटा इकतीस का जवाब अब देखो आंसर देते जाओ मैं तुम्हारे बीच में आ नहीं रहा इकतीस का जो जवाब है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का आंसर क्या है आपने अगर अमर बेल बोला है कुछ कुटा बिल्कुल भैया कूट देंगे भाई ये नंबर दूसरा बेरी बेरी बैरीपिया नहीं याद रखना बेरी पिया जो डिसीज है है ना बेरी बेरी जो डिसीज वो किसकी डिफिशियंसी कौन से विटामिन की डिफिशियंसी के कारण होता है बताओ जरा किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है बी से याद रखना बेरी बेरी और देखो क्या याद आ जाएगा नंबर बत्तीस ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बत्तीस का जवाब एक बात याद रखना बी बी है ना बी बीबी 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 अब बीबी नहीं याद यहाँ बीबी है ना तो विटामिन बी याद आया कि नहीं हाँ तो इसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी ए बहुत बढ़िया आगे देखो कौन सा कहता है ऐसा जो जड़ वाला नहीं होता रूट वेजिटेबल कौन सी नहीं है जड़ वाली सब्जी कौन सी नहीं है बताओ जड़ वाली सब्जी कौन सी नहीं है जड़ बुद्धि नहीं पूछ रहा जड़ वाली बेटा बताइएगा कौन सी गाजर सलजम मूली टमाटर गाजर भी बेटा क्या होता है जड़ सलजम भी क्या होता है जड़ मूली भी क्या होते हैं जड़ लेकिन टमाटर क्या होता है तने पर लटका होता है चलो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा डी आगे देखो अब कोई सोचेगा तने पर ऊपर लटका होता है हाँ ध्यान रखना नंबर चौंतीस का होता हो। कौन सा बेटा रेफर्ड करता है आपके सामने कोटलेडियंस इसका मतलब आपसे पूछा है कोर्ट यास अब जो होगा बीज पत्र किसे कहते हैं किसको बीज पत्र कहते हैं सीड कोट को एम्ब्रोय को उसके बाद सीड लिव को या फिर माइक्रोपेल को माइक्रोपाइल होता है कौन सा बताओ जरा फटाफट जवाब दीजिएगा नंबर थर्टी फोर ऑप्शन नंबर ए बी सी डी भैया टमाटर तो टमाटर है कुछ लोग तो ऐसे चाट के खाते हैं टमाटर मेरे को भगवान कसम टमाटर दे दो ने शेयर भी नहीं करना पसंद करते ऐसे कुछ लोग है ना टमाटर चलो नंबर नंबर ऑप्शन ए बी सी डी और का जो जवाब है अगर आपने इसको दिया है भैया सीड वाली पत्तियां इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जितने लोग दे रहे हो बिल्कुल क्या है चौतीस का जवाब ऑप्शन नंबर सी आगे देखो नया कहता है कौन सा एक फोसिल फ्यूल नहीं है जीवाश्म ईंधन नहीं है कोयला लकड़ी पेट्रोलियम नेचुरल गैस कौन सा एक फॉसिल फ्यूल नहीं है जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं होता बहुत स्पीड से चलो ऐसे ही कोयला है लकड़ी है पेट्रोलियम है प्राकृतिक गैस है कौन सा नहीं होगा चलेगा। नंबर आगे बढ़ते चले जिसपे डाउट आखिरी में देखेंगे हम तो नंबर थर्टी फाइव का ऑप्शन नंबर ए बी सी डी का थर्टी फाइव का जो जवाब होगा सही अगर आपने चुना है इसमें बी लकड़ी तो बिल्कुल क्या है सही है बहुत बढ़िया आगे देखो नया नंबर कौन सा प्लेनेट है जो स्मॉलर देन अर्थ इन अवर सोशल सिस्टम हमारे सोर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है दिए गए चारों में पृथ्वी से छोटा कौन सा है यह पूछा गया है बताएं पृथ्वी से जो छोटा है वो कौन सा है पृथ्वी से छोटा कौन सा है बताओ 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 बहुत बढ़िया पृथ्वी से जो छोटा है वो कौन सा है पृथ्वी से जो छोटा है वो आपसे पूछा गया है और इस सवाल का सही जवाब जितने लोगों ने दिया है यहां पर तो आपने अगर इसका जवाब मर कर ही दिया है क्वेश्चन नंबर सिक्स का तो बिल्कुल क्या है सही आगे देखो नया नंबर स्पिरिट ऑफ टीम वर्क इज लर्न फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग किस से आप सीखते हैं कि भैया मिलजुल कर काम करना चाहिए फैमिली से स्पोर्ट्स एंड फैमिली से फैमिली सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स से या फिर कंडक्टिक जो कंडक्टिंग कंपिटिशन बताए किसके साथ जाएगा भैया सवाल तो आपने जब इस सवाल का जवाब दिया बताइएगा क्या होगा इस सवाल का जवाब और सवाल में आपने दिया है नंबर थर्टी सेवन का अगर जवाब ऑप्शन नंबर सी क्योंकि तीनों लोग मिल गए फैमिली सोसाइटी स्पोर्ट्स बिल्कुल सही एफ एस एस बर्ड विच कैन मूव इथ नेक बैक एंड फोर्थ विद विदार जर्क इज अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी कौन सा होता है झटका लेने वाला पक्षी बताओ झटका लेने वाला पक्षी क्या होता है बताओ 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 बताओ, बताओ. झटका लेने वाला जो पक्षी होगा वो क्या होगा तो आपने क्या दिया इस सवाल का जवाब आपके सामने सवाल जो आ रहा है वो आपके सामने 38, 38 का जवाब ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और सवाल का सही जवाब होगा तोता मैना ना, ना? तू मैना मैना याद रखना बस है ना चलो गाना याद रखना बस नंबर इसके बाद फोर मिलेगा याद रखना जैसे मैना झटका ध्यान रखना ठीक है फोर द पीपल ऑफ बिहार द बेस्ट पीरियड टू स्टार्ट बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन के लिए सबसे बढ़िया जो टाइम होता है बिहार के लोगों के लिए किस में माना जनवरी से मार्च अप्रैल से जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर से दिसंबर बताएं जल्दी क्या होगा सवाल का जवाब चलो यहां सवाल का जवाब आपके सामने आता है बस याद रखना अगर इसको होगा तो सबसे बढ़िया होता है अक्टूबर से दिसंबर क्या होगा अक्टूबर से दिसंबर अब नंबर चालीस टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स विद डाइल्यूट आयोडीन है ना आयोडीन होना चाहिए था आयोडीन गलती होगी आयोड... चलो ठीक है आयोडीन सोल्यूशन गिव स्विच ऑफ द फॉलोइंग मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के गोल से परीक्षण करने पर कौन सा रंग आ जाता है बताइएगा कौन सा रंग आ जाता है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपके सामने है जल्दी जल्दी, जल्दी जवाब दीजिएगा बहुत बढ़िया चल रहे हो भाई शाबाश 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 जी हाँ तो आपने जहां यहां पर जवाब दिया नंबर चालीस का चालीस का जो जवाब होगा होता है बेटा ब्लू ब्लैक क्या होता है ब्लू ब्लैक ऑप्शन नंबर क्या होगा ए बहुत बढ़िया नीला और काला नीला और काला चालीस के बाद जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स हमने आज आठ मिनट में था छह में कर दिया रीस्टार्ट टाइम है अगला पांच मिनट में करना है कितने में पांच मिनट में कहता है बताइए दक्षिण की जो गंगोत्री होती है वो कौन सी होती है आपके सामने ऑप्शन में आ रहा है दक्षिण की जो गंगोत्री है वो कौन सी होती है रिवर वैली आंध्र प्रदेश है अननेम्ड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका है सेकंड सोर्स ऑफ रिवर गंगा है आइसलैंड इन द इंडियन ओशन है बताइए नंबर फोर्टी का सही जवाब क्या होगा सवाल नंबर फोर्टी का जो जवाब होगा वॉट इज दक्षिण गंगोत्री क्या होगा इस सवाल का सही जवाब इकतालीस बेटा इकतालीस का जो जवाब होगा वो क्या होगा अन्यम स्टेशन लोकेशन अच्छा ही, एक बार बीच में टाइम रोक रहा हूं और एक चीज पूछना चाहता हूं बयालीस एक बात बताओ तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से लेवल इंक्रीज का मतलब क्या होता है, है बेटा लेवल इंक्रीज का मतलब क्या होता है लेवल के बढ़ाने का पता है तुम लोगों के साथ दिक्कत क्या है और तुम ऐसा पेपर में भी करोगे तुम लोग क्या करते हो तुम्हें लगता है कि जो चीज तुम्हें आ जाती है ना वो आसान हो जाती है अब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें जो आसान लगता है उसी से मैं सवाल बना सकता हूं अगर कहो तो आज यही ट्राई मार लेते हैं कहो तो ट्राई मार लेते हैं जिसको ये लगता है कि उसे ईवीएस आता है एक बार बता दो जरा मैं कुछ सवाल पूछ लू फिर ईवीएस में है कि नहीं और जिसको लगता है ये वाली बात की बेटा उसे प्लीज एक पेपर ना मोडरेट पेपर होता है पेपर का मतलब ही होता है कभी कुछ कुछ सवाल आसान मुश्किल अगर सारे ही आसान आने लगे तब गड़बड़ है और सारे ही मुश्किल आने लगे तब गड़बड़ तो पेपर बनाने वाला पेपर जाता है इस तरीके से कि बालक अगर एक जगह थोड़ा सोचे तो एक जगह से फटाफट सवाल का लगाने का मौका मिले ठीक है आओ जो तुम्हें आता है तुम लग जाते हो आसान हो गया बताओ टाइमर शुरू भाई बयालीस नंबर का दोबारा से शुरू हो गया बयालीस नंबर आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सी पार्टी स्थापित की थी चलेगा सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सी पार्टी स्थापित करी थी ये जवाब देंगे आप मेरे सामने सवाल आ चुका है आपके सामने भी सवाल है जल्दी जवाब दें तो नंबर फोर्टी टू का अगर आपने जवाब दिया है तो सवाल नंबर फोर्टी टू मेरे बच्चे उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी तो सवाल का जो जवाब होगा सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा डी कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस जी का कोई एक नारा बता दो बस कोई एक नारा बी नहीं होगा डी होगा सुभाष चंद्र बोस जी का एक नारा बता दो बिल्कुल कोई भी बता देगा अगला सवाल भी आ जाएगा हु अमंग द वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का मतलब कौन कनिष्क के उसमें क्या राजवे था फिजिशियन कौन था कनिष्क के दरबार में राजवेद कौन साहब थे बताओ राजवेद कौन साहब थे जल्दी बताइएगा नंबर फोर्टी थ्री ऑप्शन नंबर ए बी सी डी और फोर्टी थ्री का जो जवाब दिल्ली चलो हाँ बहुत बढ़िया दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा शाबाश तुम मुझे टाइम दो मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा ये सही है ना हाँ है ना तुम मुझे टाइम दो मैं तुम्हें नौकरी अरे पगलो जिस टाइम देख लो सुबह मैं भी तुम्हारे सामने साथ ही उठता हूँ कितना पूरे दिन चक 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 करता हूँ गला यहाँ से दर्द हो जाता है इसलिए बोल लो पढ़ो चलो अब आपके सामने जो नंबर आता है फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री में जो जवाब होगा वो हो क्या होगा फोर्टी थ्री में जो जवाब होगा एक बात बताऊं जैसे तुमने लिखा होगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यूट्यूब वालों ने तुम्हारा मैसेज ही नहीं दिखाया होगा हाइड कर दिया क्योंकि खून जो है वो क्या है वोलेंट वर्ड है वो भड़काने वाला है तो इसलिए देखो वो तुम्हारे मैसेज को दिखने तुम्हें क्या लगेगा कि मैंने तुम्हारा मैसेज ब्लॉक कर दिया ये शब्द याद है यूट्यूब समझते तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोला जाता है और ये भाई साहब इनका नाम था चरक ठीक है आगे देखो नया सवाल कहता है बताओ जरा न्यू कैपिटल ऑफ सीमांध्रा मतलब द फॉलोइंग सिटीज इज द न्यू कैपिटल ऑफ सीमांध्रा जो सीमांध है या सीमांध्रा जिसे इंग्लिश में पढ़ा जाएगा सीमांध जो था उसकी नई राजधानी क्या रखी गई है क्या होगी अमरावती सिकंदराबाद विजयवाड़ा या विशाखापट्टनम बताइएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंध्र प्रदेश के साथ जाते हैं चलिए तो यहां पर जो सवाल होगा इसको अमरावती जिन्होंने चुना है वो बिल्कुल क्या है सही है नंबर फोर्टी फाइव एच जो इंडेक्स होता है एच डी आई इज एन एग्रीगेट मेजर ऑफ प्रोग्रेस इन विच ऑफ द्री डाइमेंशन आपसे पूछा गया एच डी आई किन तीन क्षेत्रों का विकास मापक होता है और आपको मुझे ये भी बताना है आपको मुझे ये भी बताना है साथ साथ में कि आप मुझे ये भी बताएंगे एच डी आई का फुल फॉर्म क्या होता है एच डी आई जो इंडेक्स होता है जिसमें भारत हमेशा पीछे रहता है तो आपको ये बताना है एच डी आई जो इंडेक्स है उसका डब्ल्यू एच ओ से देता है तो बताइएगा क्या हाँ जी आगे आपके सामने 45 आया और 45 का जो जवाब होगा वो क्या होगा सवाल नंबर 45 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी और 45 में जो आता है वो याद रखिएगा उसमें हेल्थ आता है एजुकेशन आती है इनकम आती है और इसको बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ठीक है चलो एक बात बताना एच में हिंदुस्तान कौन से नंबर पर है एच में हिंदुस्तान का कौन सा नंबर है हम कौन से नंबर पर आते हैं है ना आई में इंडिया की जो रैंकिंग है इंडियन या इंडिया इंडियन रैंकिंग है इंडिया रैंकिंग इन एच बताना जरा बहुत बढ़िया आई लव यू आई लव यू आई लव यू बाकी तुम समझदार हो है ना तुमने कई बार सुना ना आई लव यू चलो अब मैं बता दू किसी को लगेगा पिछले बार तो था जो आई लव यू जो मैंने बोला बेटा इसमें एक वर्ड फिर उसके बाद चार वर्ड और उसके बाद तीन वर्ड तो एक बट रिसेंट हो चुके हैं एक अब इसे 132 सौ भी बहुत जगह दिखाया जाएगा बट द राइट आंसर जो फिलहाल लेके चलोगे वो ले लेना 132 क्या है 132 फाइनली अभी जो रिसेंटली अपडेट हुई है उसमें 132 पर है हम so, सोचो टोटल कंट्री एक सौ इक्यानवे है एक सौ इक्यानवे में से हमसे एक सौ बत्तीस है हमसे ज्यादा बस साठ लोग ऐसे हैं जो हमसे भी ज्यादा गिरे हुए हैं वरना एक सौ इकतीस लोग हमसे ऊपर हैं तो बेटा आई लव यू वन फोर थ्री में पहले साल था अब थोड़ा अपडेट हो गया थोड़ा सा क्या होगा अपडेट हो गया अब तुम क्या करो वन थ्री टू क्या है वन थ्री टू चलो आगे बढ़ो नंबर आता है विच गाइडेड वेपन फिफ्थ सबमरीन हैज बीन इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी बिल्कुल एकदम रिसेंटली हुई है रिसेंटली हिंदुस्तान की नेवी ने अपने इसमें के एक सबमरीन को लॉन्च किया है और ये मेड इन इंडिया है ये क्या है मेड इन इंडिया है बताओ जरा है ना बताओ है ना अब नंबर फोर्टी सिक्स का जवाब दीजिएगा फोर्टी सिक्स का जो जवाब होगा ये क्या होगा फोर्टी सिक्स का जो जवाब होगा वो क्या होगा नंबर आपके सामने वेपन जो फिफ्थ सबमरीन है, है बीन. तो बेटा इसका नाम है वाघीर याद रखना इसका वगीर जो बोला है हाँ बहुत बढ़िया नंबर फोर्टी सिक्स ऑप्शन नंबर सी आगे देखो नया नंबर फोर्टी सेवन विच सिटी विल होस्ट द अर्बन ट्वेंटी समिट ट्वेंटी ट्वेंटी टू बताइए कौन सी सिटी होगी जो अर्बन ट्वेंटी टू सम्मेलन की मेजबानी करेगा बताइएगा कौन सा होगा जी हाँ तो यहाँ आपके सामने 47 का जवाब है और 47 जो आता है ये आपने G20 का वो भी देखा होगा ना इसको करेगा हेरिटेज सिटी जिसका नाम है अहमदाबाद आगे बढ़ेंगे 47 के बाद 48 नया नंबर ये रहा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एटोमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ए आर बी है ना तो यहां आप से आपसे परमाणु ऊर्जा नियामक जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है प्रदीप बैनर्जी कबीर सिंह दिनेश कुमार शुक्ला मनीष कुमार नंबर 48 बताइएगा जी ट्वेंटी सबमिट बेटा नई दिल्ली में होगी ठीक है चलो अब आपके सामने आते हैं जहां आपके सामने नंबर फोर्टी का जवाब होगा सवाल नंबर फोर्टी एट में जितने लोग ने गला दुखने लगा यार दिनेश कुमार शुक्ला आगे बढ़ो नंबर फोर्टी नाइन इंडियन रेलवे हैज ओपन द कंट्रीज लॉन्गेस्ट एस्केप टनल इन कश्मीर भैया इंडियन रेलवे ने सबसे बड़ी जो टनल खोल दी जिसका नाम क्या एस्केप टनल जो खोली है इसकी लंबाई कितनी है बताओ इसकी लंबाई कितनी है नंबर उनचास ऑप्शन नंबर ए बी सी डी खोल दी बेटा याद रखना इसका जो जवाब होगा वो क्या है ट्वेल्व पॉइंट एट नाइन किलोमीटर लगभग लगभग तेरह किलोमीटर लंबी क्या है रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी टनल खोली है बहुत बढ़िया जी ट्वेंटी दिल्ली में बहुत बढ़िया चलिएगा आगे बढ़ेंगे नंबर उनचास के बाद नंबर पचास अर्धशतक पूरा होगा डब्लू अरे पचास ही रहा. विच कंट्री विल होस्ट द फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप कौन आयोजित करेगा फ्रांस जर्मनी मोरक्को या पुर्तगाल पचास नंबर का जवाब भाई को आपसे पूछा है फुटबॉल क्लब का जो वर्ल्ड कप है 2023 कौन सा देश साल 2023 में होने वाले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा फ्रांस नहीं करेगा जर्मनी नहीं करेगा पुर्तगाल नहीं करेगा मोरक्को चलो आगे देखो लॉजिकल रीजनिंग के सवाल आपके सामने है समय आपके सामने ये सही तुमने खत्म किया भाई मात्र आपको सात मिनट में खत्म करने हैं भाई आप बताओ इस सीरीज में कौन सा नंबर आएगा नया नंबर क्या होगा लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर क्या तुम्हारे अंदर दिमाग है लॉजिकल रीजनिंग के जवाब दो चलो भाई जल्दी जल्दी जवाब दो इसका यहां पर कहते हैं दो तेरह छब्बीस तिरालीस बासठ क्या होगा इस सीरीज का नया नंबर इक्यावन लॉजिक के साथ बताना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन का आ गया बताओ भाई क्या लॉजिक होगा इसका आपने जवाब दिया है इसमें क्या होगा सर जी सवाल का जवाब होगा आपने अगर नंबर दिया है फिफ्टी वन का आंसर दिया है ए 95 फाइव तो सारे सही हैं 95 फाइव जो देते हैं वो सही लॉजिक बताओ ऐसे आगे ना बढ़ू मैं लॉजिक बताओ पहले लॉजिक बताओ नहीं बेटा पीडीएफ के नोट लॉजिक बताओ लॉजिक बताओ, बताओ बड़ा आसान सा लॉजिक है वॉइस नोट क्लियर क्या कर रहा है एड क्या कर रहे हैं प्राइम नंबर लॉजिक आ गया बहुत बढ़िया तुम तो सही दिमाग लगा रहे हो आवाज नंबर ऐड करने हैं बिल्कुल बढ़िया नया नंबर आओ आपको पूछना है कि बताओ जिसमें रिलेटेड थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर उत्तरे की उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे द्वितीय अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है क्या बोल रहा है देखो ध्यान रखना सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड लेटर मतलब कि उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे अक्षर के समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार द्वितीय क्या है पहले से है अरे वाह क्या सवाल पूछ डाले हम बताइएगा जी सर रटवा रहे हो हाँ बेटा पूरा दिन हो जाए टेस्ट का मतलब क्या होता है मेरे को समझ नहीं आता बेटा चलो आगे देखो आगे देखो नाइनटी फाइव चलो उसमें ना ऑप्शन के दिमाग से देखो चलिएगा नंबर आपके सामने आया है हमारा नया नंबर नया जवाब दो फिफ्टी टू का जो जवाब होगा वो क्या होगा फिफ्टी टू का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा यहां आपने जो जवाब दिया उसका जवाब क्या होगा आपने जवाब दिया है सीओ क्या होगा भाई ठीक है अगर आप इसे नॉर्मल लेके चलोगे तो ए के साथ डी हो गया चार एल के साथ एल किस पे आता है एल एम बारह और ये आता है सत्रह चार हो गया एस उन्नीस तेईस ठीक है तो सवाल का जो डिफरेंस आ रहा है उसके आधार पर जो जवाब होगा सीओ ची है ना सी ओ एच होगा बिल्कुल नया नंबर देखो भाई आपको बताना है बिकम का कोड कुछ ऐसे लिखा गया है प्लेयर का कोड बताइए कैसे लिखा जाएगा बिकम का कोड लिखा गया कैसे प्लेयर का कोड आपको बताना है तो कैसे लिखा जाएगा नंबर 53 थ्री जवाब दीजिएगा 53 का जवाब बिकम का जो कोड है वो लिखा गया है जेड सी ए O ओ जी तो बताओ जरा आपको प्लेयर के लिए कैसे लिखना पड़ेगा देखो एक बात तय है कि अगर ई e और ई e दोनों सेम होते हैं अब नंबर समझ लेना ये आपका क्या आ रहा है दो वो क्या है छब्बीस ये कितना है पांच वो कितना है तीन है ना ये आपका कितना है आपका तीन ये कितना हो गया दो यहां पर ओ किसमें ई जो टी ये पंद्रह पर होगा वो क्या है सत्रह तो जो डिफरेंस आ रहा है उसके अगर देखते हुए चलें तो यहां पर आपके सामने जो फिफ्टी थ्री है उसका सही जवाब होगा अगर देखेंगे पहले के साथ बी का जेड आया दो दो से आया पी से पी से अगर आगे आए तो एल एम एन ओ पी ये देखे ऑप्शन भाई कितने लोगों का बी आ रहा है कितने लोगों का बी आ रहा है बी आएगा क्या आएगा भाई बी आएगा बहुत बढ़िया नंबर देखो नया आपके सामने इस आकृति को पूरा करना है आपको बताओ जरा कौन सी आएगी तो सवाल का सिलेक्ट फिगर करना है बताइएगा निम्न में से अगली आकृति कौन सी होगी नंबर फिफ्टी फोर ऑप्शन नंबर एबीसीडी फिफ्टी फोर का जवाब जी सवाल नंबर फिफ्टी फोर का जवाब दीजिएगा अब 54 में अगर आप ध्यान देंगे तो क्या जवाब बनेगा देखना भाई एक बार आंख उधर थी इधर थी उधर थी इधर थी उधर थी तो इधर आएगी और अगर इधर आएगी तो ये हो सकता है ये दोनों तो हटोगे ठीक है अब उसमें क्या कर रहा है बेटा एक बात और क्लियर है पहले दूसरे में आंख होती है इसमें कुछ नहीं होती पहले दो डंडे इधर थे फिर दो डंडे ऐसे हो गए अब के बार जो दो डंडे होंगे वो क्या होंगे वैसे तो भाई ऐसा है फिफ्टी फोर का जो जवाब बन रहा है वो क्या बनेगा अगर देखोगे यहां से यहां यहां से यहां फिर दोबारा ए बनेगा भाई क्या बनेगा ए बी कैसे बनेगा अरे आंख थोड़ी ना बदल रही है ए बनेगा ए नंबर फिफ्टी फाइव देखो आपको बेटा अरेंज करना है इसे लॉजिकल ऑर्डर में बताओ लॉजिकल ऑर्डर में आप इसे कैसे सेट करोगे लॉजिकल ऑर्डर में इसको सेट करना है बताओ जरा ए था ए बिल्कुल सही ए था यार चलो नंबर फिफ्टी फाइव का जवाब दीजिएगा सवाल नंबर फिफ्टी फाइव ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जी हाँ यहां आपने जो जवाब दिया है फिफ्टी फाइव का वो क्या होगा है ना जी 55 का जवाब दीजिएगा क्या होगा चलो तो आपने जब यहां जवाब दिया तो नंबर 55 में आपने अगर लगाया है 55 के जो होगा बेटा सबसे पहले जो आएगा देखो एंट्रेंस एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम के बाद काउंसलिंग होगी काउंसलिंग के बाद सीट मिलेगी सीट के बाद आपको लेको होकर एडमिशन होगा और फिर डिग्री होगी बी होगा भाई नंबर 55 का जवाब जितने लोगों ने बी चुना है वो बिल्कुल क्या है सही नंबर 56 देखो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता नेबरहुड जो वर्ड है कौन सा नहीं बना सकते अब नेबरहुड को अगर देखोगे तो देखना जरा कौन सा नहीं बनाया जा सकता सवाल नंबर 56 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी और अगर इसमें देखोगे तो नेबरहुड में पूरा का पूरा अगर वर्ड देख के चलोगे तो एक बात तो तय है ओनर बन सकता है ग्राउंड ग्राउंड भी बन सकता है रब भी लेकिन बेटा अगर ऊपर कहीं पर ए है ही नहीं तो इसका मतलब फिफ्टी का जो नहीं बन सकता वो क्या होगा डी आगे चलेंगे नए सवाल की तरफ नया सवाल है आपके सामने सवाल नंबर फिफ्टी सेवन जो वोर होती है उसमें डेथ होती है स्मोक से क्या होती है बताओ आपके सामने फिफ्टी सेवन का जवाब दीजिएगा सवाल नंबर फिफ्टी सेवन का जवाब क्या होगा हम्म जल्दी 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 चलिएगा तो आपने जो इस सवाल का जवाब दिया वो क्या होगा आपके सामने आ रहा है आपने जो यहाँ पर जवाब दिया फिफ्टी सेवन का क्या होगा थोड़ा स्पीड चलाओ भाई और फिफ्टी सेवन में अगर दिख रहा होगा तो सीधी सी बात है भैया अगर धुआं अब तुम्हें क्या लग रहा है धूम्रपान तुम्हारे देखो अरे मेरे भाई मेरे मालिक अरे धुआं लिखा बाबा धुआं का प्रदूषण सिगरेट थोड़ी ना होगा धुआं से प्रदूषण होगा ठीक है वोर से क्या होगी डेथ तो धुएं से क्या फैलेगा प्रदूषण तुम्हारा अलग ही चल रहा है मेरे भाई सिगरेट लिख दिया मेरे यार बताओ बताओ कौन सा तुम्हारी रिश्तेदारी में नहीं आता इस ऑप्शन की इस ऑप्शन के रिश्तेदारी में कौन सा नहीं आता रेशम कपास नाइलोन और भाई तुमसे ना हो पाएंगे सो सवाल हम तो इसे अपनी साठ पे ले आएंगे ले आएंगे दोबारा कुछ भी कर लो तुम लोग तो बोर करवा देते यार फटाफट तो देते नहीं जवाब नंबर फिफ्टी एट का जवाब बताओ सवाल नंबर फिफ्टी एट का जो जवाब है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी फिफ्टी एट का सीधा जवाब याद रखना देखो रेशम कॉटन सब है नाइलोन क्या है अलग होगा नाइलोन क्या है अलग होगा ऑप्शन नंबर बी की ऑप्शन नंबर सी हाँ यार सिगरेट जवाब दे रहे बताओ ये पढ़ाई कर ले सिगरेट जवाब दे रहे धुए का मतलब चलो नंबर आगे आपको इस सीरीज को पूरा करना है बताइए कैसे होगी सीरीज पूरी नंबर फिफ्टी नाइन में सीरीज को पूरा करो जरा फिफ्टी नाइन में सीरीज को पूरा करो जरा क्या होगा आ, ये मजा लाएगा ये सवाल बढ़िया आएगा बताओ फिफ्टी नाइन का जवाब क्या बनेगा भाई हाँ आर्टिफिशियल होता है नाई बेटा जल्दी 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 बताओ जरा फिफ्टी नाइन में क्या होगा फिफ्टी नाइन का जो जवाब होगा वो क्या होगा अरे कितना बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था पर हम जी चार लाख डबल बी डबल, ए, डबल सी डबल, ए, डबल डी फिर क्या है डबल ए और डबल ओहो। पहले से फिर ए आया। फिर 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 आया 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 के 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 बाद ए आया। फिर के बाद ए आया। फिर के बाद आएगा इसका मतलब नंबर बढ़ के घटके बढ़ के घटके ऐसे चल रहा था तो सवाल का जवाब डी होगा भाई नंबर फिफ्टी नाइन के बाद चलो सत्तर के तरफ सत्तर सिक्सटी है ये भी नंबर ही गलत दे दिया ये बेटा सिक्सटी है यहाँ नंबरिंग गलत है हमारे वाला भी बेचारा बन गया होगा पागल उस टाइम एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है उसका इकलौता भाई दीपक ने कहा दीपक का इकलौता भाई जो है मेरी बेटी के पिता का पिता है नंबर भैया बताना साठ का जवाब क्या होगा नंबर साठ का जो जवाब होगा वो सीधी सी बात दिख रही होगी यहां पर अगर नॉर्मल देखते चले उसको उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता अच्छा मेरी बेटी के पिता इसका मतलब क्या होगा भाई मेरी बेटी के जो पिता होंगे ससुर होंगे ससुर का जो पिता होगा अरे चाचा होगा भाई साठ का सी होगा ना हाँ तुम तो बहुत तेज हो यार सही में आई लाइक इट ये तो मजा आया चलो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया अब जरा हिंदी में कवर करेंगे कंप्यूटर में कवर करेंगे फटाफट आओ कंप्यूटर में कवर करेंगे जल्दी जल्दी कंप्यूटर के सवाल में कवर करेंगे वेरिएबल्स यूज इन जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम जावा जो स्क्रिप्ट होती है प्रोग्राम जो होता है उसमें आप किस चीज के वेरिएबल्स को यूज करते हैं बहुत बढ़िया तो नंबर सिक्सटी वन है सिक्सटी वन का जो जवाब होगा आप इसमें यूज करते हैं वेरिंग जो रेंडमली करते हैं स्टोर करते हैं नंबर डेटा अदर वैल्यू इसे हेडर फाइल के लिए करते हैं नन का जवाब याद रखिएगा आप जो जावा स्क्रिप्ट होती है उसमें क्या डालते हैं नंबर डेट है और उसके क्या अदर वैल्यूज सिक्सटी वन का जवाब ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर के सवाल आज थोड़े से अलग होंगे तो पहले बता रहा हूं नंबर देखो नया बताइएगा निम्न में से कौन सा पोर्ट नंबर सरल नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल द्वारा उपयोग किया जाता है तो यहां पर ये यह कहता है निम्न में से कौन सा पोर्ट नंबर सरल नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल में यूज किया जाता है तो तुमने कई बार आईपी में देखा होगा उसी तरह जैसा आपने वन नाइन जीरो देखा होगा तो यहां पर भी आप एक नंबर देखते हैं सिक्सटी टू में ये बेटा याद रखना ये जो नंबर आपने कभी देखा होगा ना ऐसे तीन नंबर फिर डोड डोड डलते हैं वो हमेशा याद रखना कहां से शुरू होता है वन सिक्स वन उस प्रोटोकॉल में क्या होता है वन सिक्स वन बिल्कुल आगे भाई बिल्कुल सही सिक्सटी टू के बाद सिक्सटी थ्री देखो आपसे पूछा गया है इंटरनेट पर सूचना प्रसारण के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हो कभी आपने देखा होगा जब डब्ल्यू लिखते हो ना डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लाइव डॉट अध्ययन मंत्रा डॉट कॉम उसके आगे बेटा कुछ ऐसे करके लगा होता है एच से शुरू होता है बस तुम्हें बताना है वो हो क्या होगा नंबर सिक्सटी ऑप्शन नंबर एबीसी थ्री का जवाब होगा एच टी टीपी क्या होता है बेटा इसको क्या बोला जाएगा सिक्सटी का एच टी टीपी चले अ थोड़ा स्पीड बढ़ा लो बहुत बढ़िया नंबर आगे चलो आगे देखो यहां पर क्या है डब्लू डब्लू सी सी का पूर्ण रूप बताओ आज तुम भी सोच रहे होगा सर जी क्या डब्ल्यू तो पढ़ाया था सी थोड़े ना पढ़ाया था पढ़ाया था आनंद सर ने मैंने क्लास में देखा तभी पूछा डब्ल्यू डब्लू डब्लू उसके बाद सी भी लगा दो है ना डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू सी बताओ फुल फॉर्म इसके क्या होगी भैया तुम्हारे सामने अगर नंबर सिक्सटी फोर आए तो डरने का नहीं घबराने का नहीं बिल्कुल नहीं घबराने का और इसका जो जवाब होता है वर्ल्ड वाइड वेब उसके बाद आता है कंसोर्टियम तो आप याद रखना कंसोर्टियम जो होता है ऑप्शन नंबर क्या होगा डी डब्लू डब्ल्यू अरे इसका जवाब क्या हाँ कम्युनिटी तुम्हारा रिश्तेदार लग रहा है तुम्हें कम्युनिटी अरे इंटरनेट है ये पगलो चलो आगे देखो नया नंबर ऑन व्हिच मॉडल इज www बेस्ड तुम भी आज कहोगे सर जी क्या कर दिया तुमने बहुत आसान आसान वो कहां भाग गया जो आसान बता रहा था दिख नहीं रहा अभी हमें ना ना कम्युनिटी ना था ठीक है ठीक है वो बालक देरें दे लें दे जवाब चलो भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ने के बाद आपने जो सवाल का जवाब आप देखो Www का जो मतलब क्लाइंट सर्वर अरे भाई तुम आराम से देख लेना आजो अभी देखो तुम क्या सोचे इसकी फुल फॉर्म बोचू अटू है ना वर्ल्ड वाइड वो तो पीछे पूछ लिया था एक और एडिशनल जानकारी दे दी तुम्हें सिक्सटी फाइव में इसमें लगाओ इसका जवाब क्लाइंट सर्वर होता है, है ना क्लाइंट का सर्वर जिससे तुम मिलना चाहते हो हाँ ये वाला तुम्हारा ग्राहक सर्वर ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज एम एस डी ओ एस एम एस डोस जो होता है वो कौन सा कमांड लाइन होता है ग्राफिकल यूजर फिर मल्टीटास होता है मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस होता है नंबर सिक्सटी सिक्स का जवाब बताओ है ना बताओ जरा ये क्या असर है है ना क्या जवाब होगा बेटा सिक्सटी सिक्स का नो निगेटिव मार्किंग हाँ तुम तो कम हार सकते हो बिल्कुल सिक्सटी सिक्स का जो जवाब होगा उसे याद रखिएगा इसको बोला जाता है कमांड लाइन इंटरफेस ऑप्शन नंबर ए 66 का जो जवाब होगा वो क्या है ऑप्शन नंबर ए चलो बहुत बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की जरूरत होती है जो स्टिक की मोडम की है ना ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैडम की जरूरत होगी नहीं मोडम की जरूरत हो गया ठीक है सीडी ड्राइव की एनआईसी कार्ड की बताओ जरा इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस चीज की जरूरत होती है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन हाँ बेटा तुमने देखा होगा ओहो पेन भी गिर गया कौन में दर्द हो गया यार पता नहीं चलो हाँ इसमें किसकी जरूरत होगी बेटा मोडेम की आगे बढ़ो मोडेम जिसे बोल देते हो की यूज की जाती है फॉर फाइंड इन एक्सेल आप ना एक्सेल में फाइंड करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हो वर्ड में तो कंट्रोल एफ दबा देते हो ये बताओ आपके सामने आप बताओ एम एस एक्सएल जो होता है उसमें आप कौन सी कुंजी दबाते हो कौन सी की दबाते हो बहुत बढ़िया 68 का जवाब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी और 68 का जवाब जिन्होंने दे दिया है इसको लिए भैया ऐसा याद रखना कहीं भी लगा लेना कंट्रोल एफ ही आएगा ठीक है कंट्रोल फाइंड ही आता है ठीक है आगे देखो नया नंबर विच प्रोग्राम इज यूज टू कंप्रेस द बिग फाइल इन टू स्मॉल बड़ी फाइल को छोटा करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो बड़ी फाइल को छोटा करने के लिए आप किस चीज का यूज करते हो ताकि आराम से मेल भेजी जा सके नंबर भाई क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर इसको बोला जाता है विन स्प्रेड नहीं बोलते विन स्टाइल नहीं विन माइक्रो नहीं बोलते इसको बोला विन जिप है ना ऐसा एक आता है ऐसा करके कुछ आएगा और उसमें ऊपर ताला सा लगा होता है ठीक है नंबर सेवेंटी देखो इस बार याहू है ना वो नहीं कह रही याहू एक गाना भी था अब चाहे कोई मुझे जंगली कहे लेकिन यहां तुम्हें याहू का मतलब बताना है बताओ जरा याहू का मतलब क्या होगा याहू जो है इसका फाइल का बताओ याहू जो है याहू पहले क्या आता हाँ वो चलते यट अनादर हेरारिकल ऑफिशियल ऑरकल है ना बहुत बढ़िया तो आप अगर इसे देखेंगे तो नंबर सेवेंटी का जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी यट अनादर हेरारिकल ऑफिशियस ऑरकल ठीक है नंबर हो गया डी आगे देखो मेरे को लग रहा है मेरे जबान में हकली होगी हिंदी आगे है कितनी शांति से आ रही होगी कुछ लोगों को ना कितना दिल को करार आया है ना दिल को करार आया है ना आज आ जाओ हिंदी से प्यार आया हिंदी आ गई अब हम देखो नंबर कैसे उड़ा देंगे जल्दी आ जाओ हिंदी एकदम खत्म करनी पांच मिनट में सोनाली स्कूल जा रही थी सोनाली स्कूल जा रही ऐसा नहीं लगे वो तो इस रस्ते से जा रही थी बेलपुरी खा रही थी इस तरह तो बताइएगा जरा यहाँ पर आपके सामने है ना तो सोनाली स्कूल जा रही थी इस बात में बताओ कौन सा काल था है ना कौन सा काल था बताओ पूर्ण भूतकाल है हेतु हेतु हे भूत अरे भाई साहब ये क्या ये हेतु हेतुमंद भूतकाल भाई ये तो अगर किसी को पता हो भगवान के समझ बताना भाई हेतु हेतु मंद भूतकाल नहीं है सेवेंटी वन का बताना यार देखो सोनाली स्कूल जा रही थी इसको क्या बोला जाएगा सेवेंटी वन का तुम जवाब तो सही दे रहे हो है ना इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी बस ये तुम यार हेतु हेतुमंद भूतकाल समझाओ ये समझ में नहीं आया मेरे सेवेंटी वन का कल राहुल सर से पूछ है, है ना हाँ है ना ऐसा कहते हैं ये तु, ये तो हेतु हेतु मंदना जिसमें आइडिया तो मिले हो रहा है लेकिन हो ना रहा है ना कि हाँ कुछ होने वाला लेकिन हुआ ना हो हेतु हेतु ये, ये नहीं भूलूंगा जिंदगी में सेवेंटी टू कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में कौन सा नहीं आता बताओ जरा होता है होता है ना हाँ मतलब ये यही कहता है जो दिखता तो है पर होता नहीं इसलिए हेतु हेतु भूतकाल कहलाता है है ना हेतु हेतु भूतकाल तुम्हें लगेगा है ना हाँ चलो नंबर सेवेंटी टू ऑप्शन नंबर ए हाँ होते होते रह जाने वाला बहुत बढ़िया होते होते रह जाए सेवेंटी टू में बेटा जो वर्ण संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता सेवेंटी टू में वो याद रखना वो क्या होता है षटकोण वाला ये भाई साहब आगे देखो उदार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा उदार मतलब क्या हो जाए काम हो जाना उदार जो शब्द है इसमें आपको बताना है कौन सा उपसर्ग होगा जल्दी जवाब दीजिएगा उदार जो शब्द है इसमें प्रयुक्त होने वाला कौन सा होता है उपसर्ग बताओ ये यार अंग्रेजी पहले दे देते ना हमारे वाले बेचारे भाग जाते हैं हिंदी देनी पड़ेगी इन्हें पहले खुश रहते हैं हिंदी में इनका दिल सा लगा रहता है हिंदी में ना चलो चलो अगर आपके सामने आता है नंबर सेवेंटी थ्री और सेवेंटी थ्री का जो जवाब होगा वो क्या होगा उत ठीक है उत भी लगाया ना ठीक है यह गाय बहुत सुंदर है इसमें रेखांकित जो अंश है वो कौन सा है भाई यह बताना है ना यह बताओ सेवेंटी फोर में आपको ही बताना है यह जो गाय है ना तो आपको बताना है इस वाली बात में कि यह गाय बहुत सुंदर है इसमें क्या होगा बताइएगा जी यह गाय बहुत सुंदर है रेखांकित जो अंश है वो यह के बारे में बताओ जल्दी क्या होगा इस सवाल का सही जवाब डन तो आपने जब जवाब दिया है यहां पर तो आपने इस सवाल का जो जवाब 74 का क्या दिया डी दिया बी दिया बहुत बेहद हमने डी और बी दोनों में लगे पड़े हो लेकिन मेरे को लग रहा है ज्यादातर लोगों ने जो 74 में दिया है बी चलो भाई ठीक है स्वर्णामिक आगे बढ़ो इसको एक बार क्वेश्चन है मंद का विलोम शब्द क्या होता है मंद का विलोम शब्द क्या होता है अभी आए थे है ना मंद का विलोम शब्द क्या होगा यार यह है ना निश्चय होता है उसमें ना गलत है यह गाय बहुत सुंदर है रेखांकित अंश ही गलत है इसमें है ना चलो एक बार कोई बात नहीं इस पर आ जाओ सेवेंटी फोर को बाद में देखेंगे मंद का विलोम शब्द क्या होगा मंद होता है ढीला मंद क्या होता है ढीला अब तुम्हें बताना है सेवेंटी फाइव में कौन सा तो सेवेंटी फाइव का सीधी सी बात है मंद होगा तो ये क्या होगा तेज नहीं होता बेटा ये क्या होगा तिविर याद आया ना फास्ट फाइव चलते थे सेवेंटी सिक्स कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं कहा भाई तुमने कहा कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं कुर्सी शब्द किस कारक में है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं इस वाक्य में कुर्सी शब्द का है हम तो पूरे दिन खड़े ही रह जाते हैं मेरे यार बताओ सेवेंटी सिक्स का जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स ऑप्शन नंबर एबीसीडी और बेटा ये क्या होगा अधिकरण कारक ये तो देखो आसान था इसमें तो पूछना मत सेवेंटी सेवन पायो जी मैंने राम नतन पायो है इसके चक्कर में तो सलमान खान अपनी मूवी पिटवायो बताओ जरा पायो जी मैंने राम नतन धन पायो ये मूवी आई थी पिटगी थी बताओ जरा इसमें उपमा अलंकार होगा रूपक होगा उत्प्रेक्षा होगा या फिर यमक होगा आजो आज आज बहुत बड़ी यार है सेवनटी सेवन में पायो जी मैंने राम रतन ठीक है बेटा एक बार सेवन है ना हाँ हेतु हेतु होता है समझ गए चलो आगे बढ़ो नंबर सेवेंटी सेवन ऑप्शन नंबर ए बी सी डी और सेवनटी सेवन में जो होता है इसमें क्या, क्या होता है रूपक अलंकार क्या होता है रूपक अलंकार सेवन सेवन में तुमने सभी रूपक अलंकार बहुत सही आगे देखो आजीवन में प्रयुक्त समास कौन सा होता है आजीवन है ना आजीवन में जो प्रयुक्त समास होगा वो क्या होगा तत्पुरुष होगा कर्म धार्य होगा अव्यविभाव होगा या द्वंद होगा बताओ जरा है ना आजीवन जो होगा ना तत्पुरुष होगा ना कर्म होगा ना द्वंद होगा इसका जवाब क्या होगा अविवाह सेवेंटी एट में जो जवाब दे दिए तुम बहुत बढ़िया चल रहे हो शाबाश 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 थोड़े से ढीले पड़ेगी मेरे बच्चे तुम ना तुम्हारी कैपेसिटी कम है तुम थोड़ा इस स्टेमिना बढ़ाओ अपना दिक्कत होगी वरना फ्यूचर में भी इस टाइम में ना बढ़ाओ चलो आगे नंबर इसका सेवनटी एट का जवाब क्या हो गया सी आगे देखो इनमें से कौन सी शब्द इनमें से कौन सा जो शब्द है या कौन सी शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है बताओ कौन सा समूहवाचक संज्ञा है सोना है सबा है मिठास है ये वाला। सोना बेटा गोल्ड है सोने वाला नहीं है है ना चलो नंबर सेवेंटी नाइन का बताओ जरा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन का जो जवाब होगा वो हो क्या होगा जी धन्यवाद 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 चलिए आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ और जो नया सवाल इन्होंने 79 में जो अगर तुमने लगा दिया सभा तो चलो भाई तुम्हारी बात को क्या कर देते हैं बिल्कुल आगे देखो नया इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गए ओहो बहुत दुख की बात है भाई साहब इस वर्ष मेरा बैल भी, भी जैसे तुम इस बार मैंने पेपर भी भर दिया और ये वाला भी हो गया क्या हुआ पेपर भी नहीं आया पर ये वाला मैं तो ये सोच रहा हूं अगर मान लो एक सवाल है भाई मान लो जैसे भाई ये कहा कि भाई जो 12 तारीख से जो केवीएस की टेंटेटिव डेट है है ना केवीएस की टेंटेटिव डेट है अगर मतलब मैंने किसी से सुना पर मैंने जिक्र नहीं करा इस बात का केवीएस की डेट ना अब अगर आगे बढ़ गई तो तुम कितने खुश हो जाओगे पोस्टपोन अगर हो जाए अच्छा अगर ये हो जाता कि भाई अगर प्रीपोन हो गई पहले ही आ गई तो भैया एक बात बताऊं हदी हो जाएगी फिर तो मतलब केवीएस वाले जीने ना दे रहे बिल्कुल मेंटल स्ट्रेस में ट्रोमा में डाल उन्होंने मेरे को लग रहा है इस बार अपनी यूनिट में मेंटल हेल्थ इसीलिए डाला वो पहले से तैयार बैठे थे कि इनकी मेंटल हेल्थ खराब करेंगे तुमने ना यूनिट हमारी जो है तीसरे वाले से मेंटल हेल्थ पढ़ा ना तुम लोगों ने हाँ तो भैया ऐसा तो सोच के भी डर लग जाता है ऐसा और इसका मतलब भैया कुछ तो दिक्कत थी कुछ होगा इसको बोला जाता है कंगाली में आटा गीला होना क्या होगा कंगाली में आटा गीला होना तो इसलिए इस सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यहां पर डी आगे देखो इक्यासी के बाद है खटमल शब्द है खटमल क्या होगा जिसकी खटमल जो होगा बताओ खटमल इसका नाम खटमल होता है खट से होते है खाट और खाट में मल मल का मतलब होता है वो जो गंदगी होती है ना हाँ बाकी तुम और लोग समझता हो खटमल जो शब्द है वो बताओ जरा क्या होगा नहीं हमारे वाले तो डर ही नहीं रहे हमारे वाले तो इसलिए नहीं डर रहे उनका कोर्स अब बिल्कुल निमट गया वो खुश हो रहे इस बात के सामने की मास्टर जी ने इनका करा ईवीएस हमारा खत्म हो गया तो उसके बाद कंप्यूटर भी खत्म हो गया रीजनिंग भी खत्म हो गया पेडागोजी भी खत्म हो गया तो बस पेडागोजी की दो तीन क्लास के बाद अब तो चलेगा, तो चलेगा हम इतनी टेंशन नहीं ले रहे भाई भाई ना में टेंशन नहीं तुम तो? बहुत बढ़िया इक्यासी जो शब्द इक्यासी का जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा खटमल जो है खटमल ही नहीं होता खटमल होता है पुरलिंग है ना चलो आगे देखो बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा बहुत ही कठोर और बड़ा जो आघात है इस वर्ड के लिए एक शब्द क्या होगा बताओ परोक्ष होगा वर्जाघात होगा प्रत्याघात होगा परिवारजक होगा बताए जरिए क्या होगा इस शब्द का मतलब <laughs> अनेक शब्दों के लिए है ना यहाँ सर आवाज उठाओ पोस्टपोन्ड करने की हाँ फिर मेरी वीडियो वायरल बनाई उस मास्टर ने पेपर नहीं ओन दिया था वैसे ही पहले मेरे पे आ गया था ना भाई तुम मेरा साथ नहीं देते भैया मैं तुम्हारे इस, इस बहकावे में नहीं अपनी तैयारी करो पेपर चाहे कल हो जाए हाँ, पेपर की अपनी तैयारी इसको क्या क्या बोला जाता है चलेगा। देखो भाई आपसे पूछना चाहते हैं यहाँ तनु और तनु तनु और तनु का जो सही युग्म होगा वो क्या होगा बताइएगा तनु और जो तनु है उसका सही युग्म बता दो जरा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी फटाफट चलो भाई अरे लाइक भी कर दिया करो वीडियो के मेरे यार ऐसा बार बार बोलते हो अच्छा नहीं लगता तुम पढ़ाई पे ध्यान दिया करो अपनी लाइक पे भी नंबर आपके सामने आया और इस सवाल का जवाब जो 83 में आपने दिया है ये क्या है तनु मतलब पतला और पुत्र होता है तो सवाल क्या है पत... ऐसा भी हो सकता पतला पुत्र हो किसी को ठीक है तो 83 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या है बी 84 फोर इनमें से कौन सा विधेय और विशेषण है विधेय विशेषण है मेरा लड़का आलसी है अभी नहीं पता नहीं चला है कैसा होगा मैं तो नहीं आलसी देखो मेरे को तो पता ही वाली बात सतीश सुंदर लड़का है होगा बिल्कुल ए और बी दोनों इनमें है इन में। बताओ कौन सा विधेय विशेषण है बताइएगा नंबर आपके सामने आता है सवाल नंबर एट्टी है एट्टी का जवाब दीजिएगा एट्टी का बेटा जो सही जवाब है इसका मतलब संसा भी है और विशेषण भी ये रहा ये क्या है मेरा लड़का जो है वो क्या है आलसी है ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा ए सवाल नंबर का जो जवाब होगा 84 का ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 85 देखो इसमें से कौन सा शब्द मूलावस्था में है इसमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था मतलब जो अपनी क्या है ओरिजिनल उसमें है बताइएगा कौन सा है नंबर 85 का जवाब दो भाई नंबर एट्टी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी भैया ऐसा था ई नोट्स वाली ना परसों कल पेमेंट डिक्लाइन हुई थी तो आप उसे दोबारा कर लीजिएगा वो इश्यू रिजोल्व हो गया पहले पेमेंट गेटवे वालों की तरफ से रिज्य था अब वो रिजोल्व हो गया आप उसे चेक कर सकते हैं चलेगा अब आगे बढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ते हुए नंबर 85 का जो जवाब होगा मेरे बच्चे इसमें क्या होगा मूल अवस्था में क्या होगा हो सुंदर नंबर का जवाब यहां से शुरू होगी आपकी इंग्लिश और इंग्लिश का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा अब देखता हूं भागा दौड़ किसकी होगी बट पेपर में तो आएगा आपको बताना है प्रोपेल जो वर्ड है इसका सिनोनिम्स क्या होता है बताइएगा यहाँ पर एक जगह भी है ये हमें बताइएगा आपने कभी सुना होगा ना प्रोपेल ड्रिंक भी होती है पर्पल इसे कई बार परपेल बोल देते हैं ना परपेल परपेल भी बोल देते हैं तो जो जो है ना प्रोपेल बोलेगा परपेल बोलेगा इसका मतलब करेक्ट सिनोनिम्स बताओ पहले क्या होता है इस शब्द का मतलब 86 86 का जो मतलब होगा इसको कहा जाता है इस वाली चीज के साथ कि जब आप किसी चीज को धक्का दे देते हो तो यहां पर ड्राइव होगा जस्टिशन होगा बस्ट होगा या फिर क्या होगा एक्सक्लिटाइज होगा नंबर 86 सिक्स होगा एट्टी का जो सही जवाब होगा याद रखना इसको क्या बोला जाता है ड्राइव क्या होगा ड्राइव आगे तुमने कई बार देखा नहीं एक एनर्जी ड्रिंक आती थी कि ये पेफल ड्रिंक पीछेगा और एनर्जी बूस्टर बन जाएगा ऐसा याद रखना ठीक है नंबर आपके सामने एट्टी देखो फॉर मी ब्रेकफास्ट फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे भाई हमारे लिए तो हो ही ना पाता रोज भाग के आ जाते हम रात का डिनर भी तुम लोग तो सो जाओगे अभी अपन जाएंगे साढ़े ग्यारह पौने बारह बजे ऐसा लगता है अगले दिन का पहले दिन का खाना अगले दिन खाते हम ऐसी स्थिति हो रखी है आजकल तो नंबर बताइएगा 87 का जो जवाब होगा वो हो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 87 87 में जो जवाब होता है बाई से जाए फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे ओहो ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही है आगे देखो नया नंबर 88 चूज द सुटेबल आर्टिकल फॉर द गिवन इसके लिए फुटबॉल इज बेस्ट मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड जो फुटबॉल है वो सबसे जो है पसंदीदा खेल है लोगों का ए होगा एन होगा हो द होगा क्या होगा बताइए 88. 88 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में मेरे बच्चे याद रखना फुटबॉल इज द मोस्ट क्या होगा इज द मोस्ट आगे देखो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई कहता है एक प्रीपोजिशन लगानी बस इसकी जगह यहां पर माय वॉच इज डैश द टेबल जो मेरी घड़ी है वो क्या कर रही है टेबल पे बैठी है तो बताओ जरा 89 बैठी है रखी है क्या कर रही है 89 का जवाब 89 का जवाब होगा मेरे बच्चे जो मेरी घड़ी है वो टेबल पे क्या है यहां तो इन टेबल के अंदर नहीं है ये नहीं है ऑफ नहीं है क्या है माई वॉच इज ऑन द टेबल क्या होगा ऑन द टेबल तो इसलिए इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया नब्बे नाइनटी बताओ एक मेंढक रहता है दोनों जगह पानी में हिंदी में ट्रांसलेट कर दे मैंने तुम लोग लेरोग लोज ले बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वोटर की जो मेंढक होता है वो जमीन पर भी रहता है और पानी पर भी तो ऐसी चीज को क्या कहते हो बताओ जो पानी और जमीन दोनों पे रह जाए उसको क्या बोला जाता है नंबर नाइनटी नाइनटी का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर टू दे दिए बहुत बढ़िया एमबीपीएन ऑफ बेटे अरे देखो तुम घबरा रहे हो मेरे यार मैं कह रहा हूं तुम तैयार हो अब मान के चलो यार छह हजार वैकेंसी पांच हजार तुम पास हो गए तुम भी कितना खुश हो गए होगा ना रात का ऐसा मोटिवेशन दे दिया मैंने तुम्हें तो जो तो जो पढ़ रहे तुम पास हो गए हो गए नहीं बस ऐसे समझो ऐसे खुश रहा करो है ना तो यहां पर क्या है दिन में भी और रात में पढ़ते रहो आगे बढ़ो नाइन्टी वन आपको बताना है कौन कौनसी की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है कौन सी की अंग्रेजी बिल्कुल सही लिखी है बताओ मिशनरी वर्ड है आप बताओ मिशनरी में कौन से की सही लिखी हुई है जल्दी जवाब दो आवास आवास आवाज मेरे गो मेरे मुंह में ही शक्कर अच्छा बहुत बढ़िया अरे अच्छा, तुम नौकरी लग जाए बस तुम्हारी भगवान कसम दिल खुश हो जाएगा मेरा उस दिन ऐसा लगे गंगा जी ना आ गया मैं। अब ऐसा इसका भी जवाब देना हिंदी में अगर कोई तुमसे कहे गंगा जी ना आ गए तो उसका क्या मतलब होता है भाई मिशनरी की अंग्रेजी देखो तुम्हें आती हो तो इसका मतलब पास हो ही जाओगे दोनों हाथों से लिखने वाला मैं नंबर 91 का जो जवाब होगा इसको बोला मिशनरी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर 92 देखो दोनों हाथ से लिखवा अगली बार में चूज द वर्ड गिवन पार्ट ऑफ स्पीच चेंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल एक दिन और बताया था बेटा है ना चेंट करना बोल जय श्री राम जय श्री राम है ना जैसे तुम उस पर जाते हो वैष्णो देवी में नहीं चलता बात. आगे बोले बोले आगे बोले जय माता दी पीछे बोले जय माता दी ऊपर वाला जय माता दी नीचे वाला जय माता दी डंडी बोले माता जी गधा बोले जय माता दी कुत्ता बोले जय माता सब पे जय माता दी करवा देते हैं और हम भी जय माता दी कर ही देते हैं ये वाली है तो आप जब चैंटिंग करते हैं मैजिक स्पेल का उसका जो जवाब होता है याद रखिएगा उसको बोला जाता है आपका इनकंडीशन जो है आपके सामने ऑप्शन नहीं बोला जाता ठीक है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना चेंट लिखा है ना यहां से पकड़ लेते मेरे यार ये लिखा तो है आगे देखो द इंजीनियर डैश द बिल्डिंग आप बताइएगा फिल इन द ब्लैक्स फिल करो इसको द इंजीनियर डैश द बिल्डिंग क्या होगा इस सवाल का जवाब इंजीनियर जो है वो बिल्ड करता है वैसे तो है ना बताओ जरा इसमें क्या जवाब आ गया 93 का हमने बिल्ड तो आया नहीं कुछ और ही आ गया हाँ बताओ अपराइज होगा एपरेज होगा कैलकुलेटेड होगा एप्रिशिएटेड होगा तो इस सवाल का जो जवाब होगा याद रखिएगा यहां पर आपके सामने जो 93 का जवाब आ रहा है आपने 93 का जल्दी 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 स होगा अरे रहने दे भाई ले, आ, ले आना मैं खा जब जिन नौकरी लग जाएगी और इस सवाल का जो जवाब तुमने ले गया एवरेस्ट बहुत बढ़िया है ना शाबाश कैच कर ली छूट गया था आगे नाइनटी थ्री के बाद नाइन्टी फोर चलो बताओ यहां यहां पर क्या है इसका मतलब ये है भाई एक तो के वी एस ये है मेरा राइट हैंड और ये मेरा क्या है लेफ्ट हैंड तो अगर मैं अपने दोनों हाथों से लिखता हूं तो मेरे को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा जो इंसान दोनों हाथों से लिखता है उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है बताओ जल्दी जल्दी बताओ नंबर नाइन्टी फोर का जो जवाब होगा वो क्या होगा इसको तो देखो प्योरीफाई बोला जाएगा करेक्ट इंटोनिम्स क्या होगा प्योरीफाई बोला जाएगा कॉन्टिमुनिट का जो होगा वो क्या होगा प्योरीफाई जी आगे आइएगा नंबर नाइन्टी फोर का जवाब तो तुमने दे दिया एक सवाल और मैंने पूछा जो जो इंसान दोनों हाथों से लिखता है उसको क्या बोला जाता है ही नहीं एम बी एम बी वाला है हाँ सही जा रहे हो एकदम ऐसा होशियार तो तुम हो गए ये तो बात है चलो आगे जवाब दो नंबर फिल इन इन द द ब्लैंक्स विद सुटेबल हु इज दैट बॉय डैश ब्लैक जैकेट जो काली जैकेट में खड़ा है वो कौन है ये आपसे पूछा जा रहा बताओ नंबर आपके सामने आ गया भाई हमारा नया जल्दी जल्दी जवाब दे दो नंबर नाइनटी फाइव ऑप्शन नंबर ए बी सी डी नाइनटी फाइव का जो जवाब होगा वो हो याद रखना क्या होगा ब्लैक चैकेट जो खड़ा है इन टू नहीं होगा इन होगा ठीक है अंदर थोड़ी ना घुसेगा उसके आपको बताना है यहां पर कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें करेक्ट पंक्चुएशन लगी है करेक्ट पंक्चुएशन लगाने वाला कौन सा होगा तो नंबर नाइनटी सिक्स ऑप्शन नंबर एबीसीडी नाइनटी सिक्स का जो जवाब होगा ही सेट टू ही तो गलत हो गया ही सेट टू और गलत हो गया ये वाला भी गलत हो गया अरे इतना आसान सवाल है मेरे याद ऐसे ही आ जाएगा बहुत बढ़िया डी तुमने भी दे दिया शाबाश नंबर देखो यहां पर इसे पंक्चुएशन में लगाना था ना तो आप जैसे वो लगाते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेट करना था बस 97 सेवन सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोपियट ऑप्शन टू फिल इन द हैज डैश फ्रेंड टू प्ले विद इन द इवनिंग उसके पास कितने सारे दोस्त हैं कम हैं ज्यादा हैं लिटिल हैं एनी हैं जो उसके साथ शाम में क्या करते हैं खेलते हैं तो बताओ 97 में क्या होगा ही हैज डैश फ्रेंड्स टू प्ले विद इन द इवनिंग तो यहां पर जो आएगा देखो मात्रा वाली चीज तो आने से रही इसका मतलब उसके पास क्या है बहुत सारे क्या है दोस्त हैं तो यहां पर नाइनटी सेवन में जो जवाब होगा वो क्या होगा मैनी इजी एजुकेशन सबसे पहले सवाल का जवाब देता है मेरा बच्चा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज एन एबस्ट्रेक्ट नाउन बताइएगा कौन सा एबस्ट्रैक्ट नाउन है एबस्ट्रेक्ट नाउन कौन सा होगा बताइए तो पूछा जाएगा है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा वो कौन सा होगा नंबर 98 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी और 98 का जो जवाब होगा यहाँ पर लड़की होगी घोड़ा होगा डॉक्टर होगा या मजदूरी होगा तो भैया यहाँ पर सबसे बारी, बड़ी बात है क्या होगा स्लेवरी जो होगा वो क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा नंबर ए नाइनटी का आगे देखो नंबर नाइनटी नाइन द प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन माई माई जो है उसका माई है ना माता को हिंदी में बोला जाता है माई द प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन माई इज वी होगा मी होगा अवर होगा अस होगा अवर को हम बोलते हैं आर है ना तो देखो जब पढ़ा जाता है वो मैं सोचा करो जहां किसी के साथ बात करना तब ध्यान दिया करो इतना हर चीज ध्यान से पढ़ोगे ना तो वे डिस्ट्रैक्ट रहता है माइंड की यार हर चीज बिल्कुल सिस्टमेटिक कई बार आप ऐसा पढ़िएगा जो जरूरी नहीं कि हर बार ही सिस्टमेटिक हो है ना सर आप पठान देख ले क्या अरे तुम्हारी शकल देख रहा हूं मैं पठान देख लिया हमने कुछ ना देखा इतने दिन हो गए पठान रात तुम्हारी क्लास चल रही थी सुबह क्लास अब पठान देखने का टाइम दिया तुमने मेरे को यहां पर क्या होगा प्लुरल क्या होगा नाइनटी नाइन का सीधा जवाब होगा क्या होगा प्लुरल पूछा था तो प्लुरल क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी ठीक है आगे देखो ऑल दीज आर सोल क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड इंग्लिश इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है क्वांटिटी है नंबर है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा हाँ बताओ जरा तो नंबर आपके सामने जो आ रहा है बताइए चलिए इस सवाल का जो सही जवाब है सो नंबर का ऑप्शन नंबर क्या बेटा यहाँ पर वर्ड जो इंग्लिश है वो क्या है क्वालिटी है ना कि क्वांटिटी है और इसी के साथ आज का सो नंबर का टेस्ट पूरा भाई देखियो कितना समय लगा आज हमें थोड़ी सी लेट हो गया क्या कितनी देर लगी एक है अरे शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो हमने नाम भी नहीं बदला एक घंटा अड़तीस मिनट में कर इसको भाई बहुत खुश हुआ मैं मैं तो यार सोच रहा था ज्यादा हो गया अरे सो सवाल बिल्कुल एकदम एक्यूरेट टाइम में करें हमने कर घंटे मिनट 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 थी दो बच रही है दो तुम गुफ्तु कर लो बहुत बढ़िया शाबाश ठीक है शाबाश भाई शाबाश अगर तुम्हें देखो क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दो है ना और शेयर तो खैर अब क्या करोगे अब तो तुम पढ़ पुढ़ा ले तुम भी वैसे चालू हो तुम भी सोचते शेयर क्यों करें हम किसी दूसरे को यार सही में तो उन्हें है ना इसको उठाना भाई कमाल हो गया भाई साहब है ना एक घंटे मतलब अड़तीस चालीस मिनट में खत्म कर दी बहुत बढ़िया पर क्या होगा वो रोहित नोट्स पे बेटा डन 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 रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं बना टाइम हो गया 100 मिनट में 100 सवाल कर दिए ये सही हो गया है ना मतलब मजेदार भी राज का सेशन आज के सवाल भी आसान नहीं थे आज के जो सवाल थे उनका मतलब आप देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा ये ना आपको जो टेस्ट है सीक्वेंस में आपको दिख रहे होंगे रोहित वैदव है उस पर मिल रहे हैं बाकी पीडीएफ वगैरह आपको जो टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती है वहां शेयर कर लीजिएगा सारी चीजों के साथ है ना सर आप पठान देखोगे क्या देख मेरे बच्चे जब तक तुम्हारा पेपर नहीं होता तब तक मैं कुछ नहीं देखूंगा ठीक है मतलब ये मतलब तुम नहीं देखोगे तो यार मैं क्यों देखूंगा ये वाली बात है ना ऐसा थोड़ा ऐसा कोई मेरा मूड है नहीं बिल्कुल भी, भी और मेरे लिए मुझे लग रहा है आज का वक्त तुम लोगों के साथ जरूरी है बट हाँ मूवी के साथ जरूरी नहीं है जब मूवी देखनी होगी देख लेंगे नहीं आएगा तो कुछ दिनों बाद हमें ओ पे आ जाएगा अपने घर में अपना आराम से बेड पे लेट के देखेंगे सामने टीवी पे बिल्कुल तसली से तो अभी नहीं देखा अभी बस तुम्हारे लिए जरूरी है अपना पढ़ो आगे से बढ़ो कोर्स पूरा करना इसमें था ना हाँ ठीक है सर पोर्टल के क्वेश्चन यहाँ भी करा दो ये बेचारे बहुत सीधे बालक हैं कभी बेचारे ये नहीं कहते हैं ना बहुत बढ़िया चलो भाई आज के लिए इतना ही है है ना आपका कोर्स अभी भी ले सकते हैं बेटा ले तो लेगा मिलेगी सारी वीडियो दो चार जो बच्ची होंगी लाइन वाले अच्छा यहाँ हमारे ऑनलाइन बैच के कितने बच्चे हाथ उठाना जरा एक बार हाथ उठाना कैसा लग रहा तुम तो बिल्कुल एकदम कोर्स के नजदीक आगे इतनी जल्दी तुमने सोचा भी नहीं था है ना बस अब थोड़ा अब हमारा क्या होगा ऑफलाइन में हो जाता है ठीक है चलो मेरे बच्चे आज के लिए फिर इतना ही है खुश राह करो मुस्कुराते करो ध्यान रखोगे अपना है ना हाँ ज्यादा घबराओ मन मेंटल हेल्थ मतलब अपनी बचा के रखो सबसे बड़ी बात है कि जितना ज्यादा डिस्टर्ब होंगे उतना ज्यादा डिस्टर्ब करोगे जितना ज्यादा डिस्टर्ब करोगे उतना ज्यादा मास्टर डिस्टर्ब होगा और मैं तो बोल रहा हूँ बेटा मेरे को कुछ हो गया मेंटल हेरासमेंट मैं तुम पे करूँगा ध्यान रखो मैं बोल दूंगा देख लेना उस दिन वीडियो में कौन कौन सा था सारे के सारे खतरनाक थे मेरे मजाक कर रहा हूँ ठीक है चलो हंसी खुशी में अपना टाइम करते रहो एग्जाम के बाद अपना मूवी ठीक है एग्जाम के बाद में तुम्हें घुमाने ले चलूंगा मैं है ना क्योंकि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और पहले नहीं होता था जो पैसे मांगा करते थे फिर तुम्हें घुमा फिर ऐसा ना तुम्हारे घर वाले भेजेंगे भी अभी अभी क्या है तुम बेरोजगार आदमी है ना तुम्हें कोई घर वाला भेजेगा नहीं तुम्हारा मेरे साथ बोलेगा भैया जाके पड़ेगा पैसे लेगा नहीं जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी घर वाले भी खुश एकदम बोलेंगे लाह ऐसे उड़ाएंगे तुम पे पैसे ऐसे है ना हमारे वाला अच्छा कितनी खुशी मिलती होगी ना तुम लोगों को पोर्टल पर मोक टेस्ट टफ थे टफ नहीं बेटा ओरिजिनल पेपर दिया है एक दिन यहाँ करा दूंगा दूट्यूब पर भी अगर कोशिश होगा तो करा दूंगा ठीक है चलो इसी बात पर एक बार दिल से टीचर देते हैं हम नमस्कार स्वागत नहीं है अब आज फिलहाल मिलेंगे अलविदा कल मिलेंगे आपसे फिर दोबारा तब तक खुश रहो ध्यान रखो अब बात भी कर ली बस तुम लास्ट में चैट कर लियो करो मेरे साथ पेपर देने के बाद ये रखो कि थोड़ा सा पेपर जब चले ना तो पेपर को पेपर की तरह बना के चलो अच्छा एक काम करे कल से पोल खोल कर दे पोल के साथ करें हाँ यार मेंटल हेरेसमेंट कर दूंगा हाँ तुम बहुत दिखू करते है मेरे को सर ई नोट्स में जीएसबी है क्या हाँ बेटा जीएस जी जीएसबी है ना जीएस है नोट्स में। अभी नहीं आई अच्छा कल आ जाएगी जीएसबी उसमें आ जाएगी ठीक है चलो फिर आज के लिए इतना तो ही है कल बताओ जरा पोल के साथ करे कल कल से टेस्ट पोल के साथ करे हाँ या ना समझाऊंगा नहीं पर उसमें टाइम नहीं दूंगा चलो बाय बाय टेक केयर जय हिंद टेक केयर कमेंट बॉक्स में लिख देना पोल के साथ चाहिए तो मैं देख लूँ वहीं पर ठीक है बाय बाय